प्रणव दिविशा क्यों नहीं करके आए, किस खुशी में? मैम पहले तो टास्क कंप्लीट करना था ना कल का, तो उसी में टाइम चला गया। नहीं, टास्क में रिवीजन भी आती है जो आपका नेक्स्ट डे होने वाला है, थोड़ा सा रिवाइज करके आ सकते हो 20-25 मिनट। ठीक है, यू ओके हैव मैम। टू, मैं हमेशा बोलती हूँ यू हैव टू पुश योरसेल्फ। ठीक है, आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा बेटा एक्स्ट्रा एफर्ट। ठीक है, जितना हम रेगुलर सोते हैं 7-8 घंटे, वो नींद थोड़ा सा आपको स्लीप आवर थोड़ा कम कर दो, 6 आवर कर दो। हाँ, जब जिस दिन पेपर होगा उससे एक दिन पहले अच्छा 8-9 घंटे सो के जाना, ताकि फ्रेश माइंड से दे सको पेपर। ठीक है, तो अभी लेकिन थोड़ा अपना स्लीप आवर कम कर दो। बेशक संडे को थोड़ा लेट उठ जाना, क्योंकि संडे को कोई क्लास नहीं होगी, संडे को तुम्हारा टेस्ट रहेगा, है ना? तो और टेस्ट भी तुम्हारा ऐसा ही रहेगा कि 3 आवर का ही रहेगा। ठीक है, और बाकी जो तुम्हें ऑफलाइन टेस्ट के लिए बुलाया है, वो ऑफलाइन टेस्ट तुम्हारा 3 आवर का ही होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारा होता है नीट का एग्जाम। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न रहेगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ऑफलाइन टेस्ट के लिए अप्लाई कर दो, और जहां भी सेंटर होगा वो आपको बता देंगे, वहां पे जाके आप एग्जाम दे के आना। ठीक है, आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा, एक बोलते ना, वो डर सा निकलेगा, हमेशा से ऑनलाइन ऑनलाइन देते आ रहे हो ना आप लोग, तो थोड़ा सा। और आप लोगों ने OMR शीट की वो प्रिंट आउट निकलवा लिया है क्या? यस यस मैम, यस yes. मैम। ठीक है, जिसने नहीं निकलवाया है प्लीज निकलवा लो, ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि देखो ऑनलाइन हमारा चल रहा है ना, तो आप लोगों को ऑफलाइन तो कोई टेस्ट मिलता नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद के एंड से, क्योंकि 1 महीने में अपना पेपर है ना? और हमें बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए OMR शीट पे, कि कैसे कैसे चीजें फिल करनी है। ठीक है, हर चीज की हैबिट होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये वाली चीज आपके पास है, टाइम कर लोगे। ठीक है, बस इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी शिवानी मैम अमित सर भी बताते रहते हैं तुम लोगों को, थोड़ा उस पे ध्यान देना। चलो मैं स्टार्ट करूं। यस मैम। मैम OMR शीट निकलवानी पड़ेगी। हाँ बेटा, मैं कैसे दे के जाऊंगी तुम्हें घर पे? वो आपको भेज रखी होगी ना PDF ग्रुप में, उसमें वो प्रिंट आउट निकलवा लो। आई हुई है ना ग्रुप में OMR शीट? यस मैम आई थी। यस मैम। हाँ, उसमें से निकलवा लेना साक्षी। अगर नहीं है तो तुम मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगी तुम्हें। ठीक है, मैम चलो चले, अभी करें स्टार्ट। यस चलो, मैम यस केमिकल। मैम ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों को पता है पांच कौन कौन से? गुड मॉर्निंग अभिषेक। हाँ, आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग में कुछ हमारे सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं, वो सबको पता है ना? तो मैं टाइम वेस्ट किए बिना ना डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जंप करती हूँ, और जो क्वेश्चंस में हमारे कंसेप्ट यूज होंगे, उस क्वेश्चन उसको हम साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, मेरा मानना ये था कि आप लोग रिवाइज करके आएंगे, जो कि करके आना चाहिए था, क्योंकि उससे क्या होता है ना, क्वेश्चन जल्दी होता है। पता चले कि मान लो फजान रूल का क्वेश्चन है और आप सबको आता है, आप सबको आता है, लेकिन वो मैं फिर भी मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दो दो चार रिवाइज नहीं करके आए, तो मुझे वो पूरा बताना पड़ेगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ मेरी क्लास में। रिवाइज करके आओ, जहां से जो कंसेप्ट हमें लगेगा कि ये थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ रहा है क्वेश्चन, वहां पे हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पता चले एक ही क्वेश्चन में टाइम लगा दे और आगे के बाकी क्वेश्चंस, या बाकी जो हमारे टॉपिक के क्वेश्चन है, वो हम कवर ही नहीं कर पाए इन 2 घंटे में। ठीक है, जैसे अभी देखो 7:10 हो गई है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना? सभी लोग ट्राई करेंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है केमिकल बॉन्डिंग, और इतना स्कोरिंग चैप्टर है, मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी बोला है कि आप 12 to 16 मार्क्स ले सकते हैं इस चैप्टर से बहुत इजिली। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, गिने चुने सिलेक्टेड बस 5-6 टॉपिक्स हैं जिसको आपको फोकस करके पढ़ना है। ठीक है, आप MTG करोगे, और जो वर्कशीट में सिर्फ टॉपिक वाइज कर लेना, उसी के ही 80 क्वेश्चंस है। ठीक है, मैंने चेक किए थे और अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें, मोस्टली आपको नीट JEE के ही मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, तो उसको भी कर लेते हो तो मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, कुछ मैं करवा रही हूँ यहाँ पे, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन आपका कंसेप्ट स्ट्रोंग होना चाहिए, ये नहीं कि पता चले मैम अमंग LICL वाला क्वेश्चन करा रही है तो यही पेपर में आ जाएगा। इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट, इसमें जो फजान्स रूल का कंसेप्ट यूज हो रहा है, वो पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेनिंग नो कोवेलेंट बोन, KCl, PH3O2, B2H6, H2SO4। जिन्होंने मेरे साथ केमिकल बॉन्डिंग किया है ना, मैंने उनको क्वेश्चंस भी कराए थे क्लास में, उनको वो बहुत अच्छे से कर लेंगे।
याद भी आ रहा होगा, ऐसा कुछ किया भी था हमने पहले क्वेश्चंस में, जिन्होंने क्लास अटेंड की थी केमिकल बॉन्डिंग की। ठीक है, तो याद है क्या? होगा। अच्छा नहीं याद है मतलब। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स नो कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। यस हर्षिता, केसीएल केसीएल देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। केसीएल है, PH3 है, O2 है, B2H6 है, H2SO4 है। मुझे नहीं पता आप H2SO4 को क्यों आयनिक बोल रहे हो। अगर आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देखा है कभी, तो ये स्ट्रक्चर होता है बच्चे इसका, ये वाला, ये कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड है। पीपाई डीपाई बॉन्डिंग है, पीपाई डीपाई बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो कोवेलेंट करेक्टर है इसमें। PH3 इज ऑल्सो कोवेलेंट, O2 इज ऑल्सो कोवेलेंट। ठीक है, डाइबोरेन तो आपको पता ही है, डाइबोरेन तो हम कहाँ पढ़ते हैं बच्चे, पी ब्लॉक में पढ़ते हैं ना, याद मैम। करवाऊंगी इसको पी ब्लॉक में करवाऊंगी। सिर्फ KCl ही ऐसा है बच्चे जिसमें कोई कोवेलेंट करेक्टर नहीं है, ये आयनिक है, आयनिक है। पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन अपना एक एक्सेप्ट करता है, आयनिक यही होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, H2SO4 आयनिक नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? सी सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी को लगता है, मान लो मैं कोई क्वेश्चन करा रही हूँ और वो मैं क्वेश्चन करा दिया है, उसी टाइम बोलना अगर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि एक भी क्वेश्चन किसी बच्चे को समझ में ना आए। तो हम साथ साथ सारी चीजें करते हुए चलेंगे। ठीक है, और रेगुलर रहा करो। आज देखो 5 बच्चे और कम हो गए हैं, 60 के आसपास हो रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एक बार तानिया बच्चे, इसमें ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स नो कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग से बनता है ना, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। KCl बच्चे यहाँ पे आयनिक है, यहाँ पे कहाँ कोवेलेंट दिख रहा है आप लोगों को ये? ठीक है, KCl इज आयनिक, PH3 इज कोवेलेंट, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, जो अगर आप ये बोलते हो कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ये आयनिक है, तो आप गलत बोलते हो। दिस इज योर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक में कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आता है, जबकि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। हाँ प्रणव, मैम बी का मैम सेकंड का बी होगा। बेटा मैंने सेकंड करा दिया क्या? नो मैम, फिर बेटा अभी तानिया ने फर्स्ट ही पूछा ना कि मैम दोबारा बता दो, मैं उसी को ही एक्सप्लेन कर रही थी ना। सेकंड पे अब आओ, तानिया अभी क्लियर है? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आओ। अमंग LiCl, अमंग लिथियम क्लोराइड, रुबीडियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड, बेरियम बोल रही मैं बार बार इसको बेरियम बोलती हूँ, आप समझ जाना बेरिलियम है ये। ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड द कंपाउंड विद ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट आयनिक करेक्टर। ये आप कौन से कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? मैम जो सब मैम बड़ा कैटायन और छोटा एनायन से वो तो अच्छा होगा ना फजान रूल से। फजान रूल से आप इसको आयनिक करेक्टर और कोवेलेंट करेक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हो। ये फजान रूल बेसिकली करता क्या है, कोवेलेंट करेक्टर डिपिक्ट करता है ना, कोवेलेंट करेक्टर है। ठीक है, ओके। तो ये बोलता क्या है, ये बोलता है कि अगर कैटायन हो उसका क्या होना चाहिए बच्चे, कैटायन का क्या होना स्मॉल चाहिए, स्मॉल साइज स्मॉल होना स्मॉल चाहिए, साइज स्मॉल साइज होना चाहिए, और एनायन का बड़ा साइज एनायन का चाहिए, लार्ज साइज। अनायन का लार्ज साइज होना चाहिए और हाइयर चार्ज होना चाहिए। यही बोल यस रहे हैं आप मैम, लोग, यही दो चीजें ध्यान रख रहे, फालतू का मत्था नहीं मानना है इसमें। ठीक है, तो आप बोलोगे अगर ये वाली चीजें हैं तो आप क्या बोलते हो, उसका कोवेलेंट करेक्टर क्या है, ज्यादा है। कोवेलेंट करेक्टर क्या है, ज्यादा है। या आप बोल सकते हो उसका पोलराइजिंग पावर क्या है, ज्यादा है। पोलराइजिंग पावर क्या होती है, कि कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर इतनी होगी अनायन को पोलराइज करने की, राइट? तो ये छोटी छोटी टर्म्स होती है, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी,
बस आप ध्यान रखना, जितना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, आयनिक करेक्टर उतना ही कम होगा। तो अगर मैं क्वेश्चन पे जाऊं तो क्वेश्चन में पहले ये पूछ रहा है सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर किस में होगा, यानी कि सबसे लीस्ट कोवेलेंट कौन सा होगा इसमें। देखो इधर ऑप्शन में दिया हुआ है रूबीडियम सीएल, रूबीडियम सीएल, तो देखना एक बार इसका कैटायन का साइज ज्यादा है yes, तो पोलराइजिंग पावर कम, yes, कम कोवेलेंट करेक्टर कम, और कोवेलेंट yes, करेक्टर कम तो आयनिक करेक्टर ज्यादा। ठीक है, मैंने कैसे कंपेयर किया, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ कैटायन, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, आगे चलो, ये क्या है, बेरिलियम और मैग्नीशियम क्लोराइड में से क्या होगा, आप पूछे लीस्ट आयनिक करेक्टर, मतलब ज्यादा कोवेलेंट, कोवेलेंट ज्यादा, ये होगा बेरिलियम वाला। यस मैम, कैटायन का तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा, उसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा। अनामिका आ गई, आंचल आ गई, देवयानी है, साम्या, अर्षिता, गौरव भी है, अंकुश है क्या, अतुल आ गया, ठीक है, कुमकुम भी है, लवलीन भी है, सारे हैं, निखिल भी आ गया, निखिल बेटा थोड़ा सा एक्टिव रहो, जूबिया भी आ गई, ठीक है, कौन नहीं आया आज, बच्चे बहुत कम है, ख्याति भी आ गई, तुम लोग ऐसे चुप चुप के बैठे, छुप के बैठते हो ना, पता ही नहीं चलता भाई आ गए हो कि नहीं आ गए, थोड़ा बोल के पता तो चले, अरे ये बंदा आ गया। ठीक है, चलो करूं क्या क्वेश्चन स्टार्ट आगे। यस मैम, यस मैम, ओके, हाँ यस मैम भी बोल दोगे ना तब भी मेरे को पता लग जाएगा कि आ चुके हो। चलो नेक्स्ट हम करते हैं बच्चे, लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड ऑन, तो लैटिस एनर्जी क्या होती है। हाँ राधिका नहीं है, तभी शांति शांति लग रही मेरे को, उसको मैसेज करो ना, वो एस्पिरेंट वाले ग्रुप में करो ना मैसेज, राधिका को, साम्या को भी करो और जो नहीं आए उसको भी करो। अच्छा, लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिपेंड ऑन, लैटिस एनर्जी क्या होती है मैम, कितना इलेक्ट्रॉन को रिलीज ऑन, क्या साक्षी बच्चे, लैटिस एनर्जी क्या होती है मैम, एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होने में लगती है उसी को लैटिस एनर्जी बोलते हैं। लगा दो चाटा, चार्ज पर साइज क्या होती है, नहीं 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 लैटिस एनर्जी का वो तो फॉर्मूला है बच्चे, चार्ज बाय साइज, लैटिस एनर्जी की अगर मैं डेफिनेशन पूछूं तो क्या बोलोगे आप लोग, एनर्जी रिलीज होती है जब एक लैटिस बनता है। नहीं नहीं नहीं, एनर्जी आपको ब्रेक करने के लिए, हाँ, इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस, समझ रहे हो, एनर्जी आपको कितनी चाहिए, जो लैटिस में जो एटम्स हैं, पूरा जो लैटिस बना हुआ है एटम से, ठीक है, मुझे कितनी एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए, इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस, वो आपकी लैटिस एनर्जी होती है। तो मेन लैटिस, आप कोई डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा बट यू शुड नो, ठीक है, तो लैटिस एनर्जी क्या होती है, चार्ज बाय साइज का रेशियो होती है, ठीक है, समझ रहे हो, जितना yes, ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, जितना साइज कम होगा उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। मैं मगर हम दोनों फैक्टर में फंस गए तो हम क्या करेंगे, तो कौन सा डोमिनेंट फैक्टर होगा आप लोगों का, चार्ज वाला डोमिनेंट फैक्टर होगा, ठीक है, तो चार्ज वाला डोमिनेंट फैक्टर होगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि लैटिस एनर्जी बच्चे किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे भी करती है और साइज पे भी करती है, चार्ज पे भी करती है और साइज पे भी करती है, आया समझ, यस मैम, यस मैम, ठीक है, चलो आगे चलो, यस मैम, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को पता है बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा मुझे पहले ये बताओ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन सोल्व हो गए थे आप लोगों से? यस मैम, यस मैम, हां मैम, होए हैं, हां मैम, होए हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है, कुछ कुछ रह गए हैं, हाँ कर लेना उसको फिर, ठीक है, सारे तो देखो मैं नहीं वो करूंगी, सारे नहीं हुए, जितने हुए उतने तो कर ही लिए मैम, हाँ हाँ ठीक है,
बाकी जो रह गए कर लेना, ठीक है, छोड़ना मत उसको, ठीक है गौरव अनामिका? यस मैम, नहीं छोड़ेंगे नहीं, कर लेंगे मैम, मेकअप कर रहे हैं हाँ डे हाँ मेरे वाइज। को पता है तुम्हारा बैकलॉग रहेगा ही, इतना टाइम नहीं मिलता है पूरे दिन में भाई, थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट भी देना होता है, पूरा 6-6 घंटे की तुम क्लासेस ले रहे हो। मैं ट्राई तो करती हूँ कि मैं 1.5 आवर की क्लास लूँ, बट मेरा हो ही नहीं पाता है 2 घंटे से पहले, क्योंकि अगर मैंने 1.5 घंटे में छोड़ दिया ना, मुझे ही सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि मैंने एक दो टॉपिक छुड़वा दिए, ठीक है, तो इस वजह से अपना थोड़ा केमिस्ट्री का थोड़ा ज्यादा चला जाता है देर का लेक्चर, बट ठीक है कोई बात नहीं, देखना एक बार। डाइपोल मोमेंट ऑफ CCl4 CHCl3 CH4 आर इन द ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे ना मैं आपको डायपोल मोमेंट, मुझे पता है आप लोगों को शायद ये क्वेश्चन आता होगा, बट मैं कैसे डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो डायपोल मोमेंट बेसिकली क्या डिटरमाइन करता है? पोलैरिटी, पोलैरिटी यस मैम, को मेजर करता है। एक तो आप इसका ही फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, व्हाट इज डी? डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। जो यस मैं मैम, लिखवा रही हूँ सब लिखेंगे, जिन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है मेरी क्लास में, जिन्होंने नोट्स में लिखा हुआ है वो नहीं मेंशन करेंगे, जिन्होंने नहीं लिखा हुआ करेंगे। चार्ज, ठीक है, पार्ट भी आया हुआ है चार्ज, ठीक है, चार्ज क्या है एटम्स के बीच में, ठीक है, तो चार्ज इंटू डिस्टेंस आप ध्यान रखेंगे। वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन कैसे होती है केमिस्ट्री में? पॉजिटिव इसका जो की हेड होता है वो किस पॉजिटिव साइड होता है? की इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। यस मैम, यस मैम, और जो इसका टेल होता है ये वो किसकी तरफ होता है? जैसे मान लो HCl है, तो मैं कैसे करती हूँ, सिंपल देखो, ऐसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है इसकी डायरेक्शन, लेकिन आप फिजिक्स में बिल्कुल क्या पढ़ते हो? इससे अपोजिट पढ़ते हो, राइट? फिजिक्स में आप इससे अपोजिट पढ़ते हो, है ना, ऐसे ही है ना? यस मैम, तो यस बाय, मैम, अगर आपसे पूछे कि बाय कन्वेंशन इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो बाय कन्वेंशन हम वही लेते हैं जो आप फिजिक्स में लेते हो, लेकिन केमिस्ट्री में क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। तो ये एक छोटी चीज है, ये एक बार ना जेई में क्वेश्चन आया था, तो मुझे लगता है क्या पता नीट वाले भी दे दे, ठीक है, वो आपको ये क्वेश्चन इस स्लाइड में मिल जाएगा। मैं आपको होमवर्क भी दूंगी, इस स्लाइड में ना 10 से 12 क्वेश्चन है वो आप लोगों को करने हैं, वो बहुत अच्छे लेवल के हैं, लेकिन जब आप पूरी क्लास को सुनोगे ध्यान से तभी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना अटक जाओगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चे क्या ध्यान रखना है, आपको पता है कि अगर डायपोल मोमेंट आपका जीरो होता है तो आप बोलते हो कंपाउंड आपका कैसे है बेटा, नॉन पोलर है, और अगर म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो आप कहते हो वो मॉलिक्यूल यस आपका कैसा है, पोलर है, ठीक है। तो मैंने आपको एक ट्रिक लिखवाई थी, दोबारा लिखवा रही हूँ। अगर मान लो आपके पास बहुत सारे कंपाउंड्स दे रखे हैं और आपको ये पता लगाना कि ये पोलर है नॉन पोलर है, तो मैं आपको नॉन पोलर की ट्रिक बता रही हूँ, वो आप ध्यान रखना, वैसे वो ट्रिक नहीं है, ठीक है, वो कंसेप्ट ही है, ठीक है, जिसको एक ट्रिक की फॉर्म में बनाया गया ताकि वो बच्चे को समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप लिख सकते हो फॉर ऑल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, फॉर ऑल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, लिख रहे हो सभी? यस मैम, हाँ, यस मैम, हैविंग हाइब्रिडाइजेशन, हैविंग हाइब्रिडाइजेशन, कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बच्चे? sp, sp2, sp3, sp3d, फिर बोल रही हूँ sp, sp2, sp3, sp3d, ब्रैकेट में लिखो प्रोवाइडेड, मतलब कंडीशन है, प्रोवाइडेड साइड एटम शुड बी सेम एंड एंड नो लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। अगर ये वाली चीज है जो मैंने पूरी लिखवाई है, उस केस में जो आपका डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा बच्चे? जीरो होगा। वो क्या होगा आपका डायपोल मोमेंट उस केस में? जीरो होगा। क्या? कि अगर आपके पास कोई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सपोज आप, आगे मैं कराऊंगी प्रैक्टिस, टेंशन मत लो, ये भी लिख लो, ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3, sp3d में से कोई होती है, और ध्यान रखना जो सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो उसके सराउंडेड एटम है या बोलो साइड एटम है वो सेम होने चाहिए, एंड सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए, तब आप बोलोगे कि ये क्या होगा? नॉन पोलर है। आप क्या बोलोगे कि ये मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर है, नॉन पोलर ठीक है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे लिख लो, एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये लिख लो, अगर
अगर आपके पास चार बॉन्ड पेयर है, लिखो, अगर आपके पास चार बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर है, या दो बॉन्ड पेयर है तीन लोन पेयर है, क्या बोला मैंने, अगर आपके पास चार बॉन्ड पेयर है दो लोन पेयर है, ठीक है, या दो बॉन्ड पेयर है तीन लोन पेयर है, तो इस केस में भी आपका जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होगा, जीरो होगा। इसके अलावा, इन दो पॉइंट्स के अलावा बाकी सारे मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, पोलर होंगे। सारे मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, पोलर होंगे। मैम सेकंड पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए। बच्चे अंजलि, आई एम सेइंग कि अगर तुम्हारे बॉन्ड पेयर, मैं अभी हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट करवाऊंगी, अभी ये सिर्फ लिख लो, ये सब आगे वाले अपने क्वेश्चंस में यूज होने वाली ये बातें, अगर चार बॉन्ड पेयर हैं और दो लोन पेयर हैं, या दो बॉन्ड पेयर हैं तीन लोन पेयर हैं, उस केस में आपका डायपोल मोमेंट जीरो होगा एंड आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ठीक है अंजलि, लिख लो अभी ये सारी चीजें, अभी थोड़ी थोड़ी अगर ऊपर से गई हैं फिर भी लिख लो इसको, क्योंकि मैं आने वाले क्वेश्चंस में इनको यूज करूंगी कि कैसे अप्लाई करना है इन दो पॉइंट्स को डायपोल मोमेंट से क्वेश्चन पे। ठीक है, लिख लिया सबने? यस मैम। ठीक है, तो अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको मैं इरेज कर दूं? हाँ मैम। यहाँ बोलो मैम, नोट्स में तो था ही नहीं, आपने कैसे कराया। ठीक है चलो, ओके, यहाँ पे देखो एक बार, आपसे पूछा डायपोल मोमेंट, इसको बनाना, CCl4 को कैसे बनाओगे, जो आपकी मेरे एनसी आपकी ना एनसीईआरटी में टेबल पेंसिल होगी, एक एनसीईआरटी में टेबल है बच्चे वीसीपीआर थ्योरी की, गया। यस मैम। वो करनी बहुत जरूरी है, वहां से तुम्हारा क्वेश्चन बनता ही है हर साल नीट में, चाहे वो जेई हो नीट हो, वो वहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता ही है, तो वो टेबल सबको आनी चाहिए, टिप्स पे रटी होनी चाहिए, उसमें जो जो चीजें हैं वो सारी सारी, अगर बुक नहीं खोली जाती है तो मेरे नोट्स देख लो, उसमें भी मैंने वो टेबल लगा रखी है, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो, अगर आपको लगता है कि सिर्फ क्लास में जो 2 घंटे क्वेश्चन हो रहे हैं वो करके 16 नंबर ले लोगे तो नहीं, आपको रिवाइज भी करना होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ जो मुझे लग रहा है इस बार पेपर में आ जाएंगे, लेकिन आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना है जो नोट्स में है, चलेगा उसमें? ठीक है, तो अगर मैं CCl4 की स्ट्रक्चर देखूँ तो यही होता है CCl4 का स्ट्रक्चर, कैसे बनाया है मैंने CCl4 का स्ट्रक्चर, CHCl3 का क्या होता है, ये होता है टेट्राहेड्रल है तीनों का, और मीथेन का क्या होता है, ये होता है, देखना एक बार। तो यस मैम। यस अगर मैं वो दो पॉइंट को यहाँ पे यूज करूं डायपोल मोमेंट का, तो मैंने कहा था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, जैसे देखो sp3 है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, और यस यहाँ मैम। पे भी क्या है, sp3 है, क्यों sp3, काउंट कर लो नंबर ऑफ सिग्मा बोन कितने हैं, चार है, तो चार के लिए sp3 होती है ना, तीन के लिए sp2 होती है, और पांच के लिए sp3d होती है ना, टू के लिए sp होती है, सिक्स के लिए क्या होती है, sp3d2 होती है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए, नहीं पता तो दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। ठीक है, ये भी sp3 है और ये वाली भी sp3 है, मैंने कहा था अगर सेंट्रल कार्बन एटम, मतलब जो सेंट्रल एटम है उस पर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, और उसके जो साइड एटम है वो सेम है, जो उसके साइड एटम है वो सेम है, तो उसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। और ये भी क्या होगा फिर, जीरो। लेकिन यहाँ पे तो मैम सारे साइड एटम सेम नहीं है, इसका तो मतलब कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा, होगा तो मतलब ये कैसा होगा आपका, पोलर होगा, तो डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा, CHCl3 का होगा, उसके बाद जो CH4 और जो CCl4 है उसका क्या होगा, सेम होगा, बोलो या ना। यस बोला। ठीक है, आप इसको कैसे कर सकते थे, और डायपोल मोमेंट के उससे भी कर सकते थे, डायरेक्शन दिखा के भी कर सकते थे, ठीक है, वो भी मैं आगे कराऊंगी, ठीक है, मैं सारी चीजों को एक जगह नहीं बताऊंगी, अलग अलग क्वेश्चन में समझाऊंगी, पता चले एक ही क्वेश्चन में टाइम लग गया फिर हमारा, समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया मैंने। यस मैम। यस मैम। ठीक है, कैसे पहचानना है डायपोल मोमेंट जीरो है या नहीं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है तुम लोगों के पास, इधर देखिए, इधर देखो बच्चे, विच कंपाउंड एग्जिबिट मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट अमंग द फॉलोइंग, अब तुम्हें क्या करना है, मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट
करना है, बताना है बेसिकली। तो इस क्वेश्चन में कैसे करने वाले हो, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना NO2 और NH2 अलग अलग हैं दोनों। देखो आप ना एक ये वाला पढ़ते हो, ये बहुत पॉपुलर होता है डाइक्लोरोबेंजीन, है ना। आपको अगर इसमें बताना हो कि डाइपोल मोमेंट क्या होगा तो आप सिंपल करते हो कि मैम हम डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन दिखा देते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि वी नो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन द कार्बन, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि मैम ये वाला इसका रिजल्टेंट और ये वाला इसका, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो हम बोल लेते हैं नॉन पोलर है, ठीक है। लेकिन ये कब लगाओगे, जब दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, जब दोनों सेम। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, देख पा रहे हो सारे बच्चे, यहाँ पे डिफरेंट है। तो एक इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, इसको ऐसे खोल लो, इसको ऐसे खोल लो, है ना। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ऐसे दिखा सकती हूँ, थोड़ा सा ऑर्गेनिक यूज हो रही है यहाँ पे, देखना एक बार, इसको मैं ऐसे दिखा सकती हूँ। एनएच टू के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा रेजोनेंस जब वो करेगा, और इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, देख पा रहे हो, ठीक है। एक काम करती हूँ, इसको अलग से दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो, देखो ये है आपका NO2 और यहाँ पे है NH2। तो मैं कैसे दिखाऊंगी, मुझे पता है NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है, और NH2 क्या करता है, देता है। तो ये देखना एक बार, ऐसे ही होगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और इस पे क्या होगा, ये यहाँ पे भी आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, और यहाँ पे तो वैसे ही नाइट्रोजन देगा नहीं, क्योंकि क्योंकि मेटा पोजिशन पे तो सिर्फ वो इंडक्टिव लगाता है। तो आप लोग ये देख पा रहे हो, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, मैम डाइपोल मोमेंट बताना है इसमें, तो यहाँ पे ये फॉर्मूले से सोल्व करोगे आप, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, जिसमें चार्ज सेपरेशन ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप लोगों को चार मॉलिक्यूल्स में से किस केस में चार्ज सेपरेशन ज्यादा लग रहा है, सी वाले में, पैरा पोजीशन पे, वन एक्सटी पे है चार्ज सेपरेशन, तो अगर चार्ज सेपरेशन ज्यादा है तो उसका डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑप्शन सी को मैं क्या मार्क कर दूं, ठीक है, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। यस मैम, नीट में अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, अगर आ जाता है तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करो, ठीक है। हाँ बोलो प्रज्ञा, मुझे पूछना कि हमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगी कि हमेशा या पॉजिटिव है या सेम तरफ है, पता कैसे लगाएंगे हम डायरेक्शन किसकी बेटा, लाइक एनोटिक टू का हमने डाइपोल निकाला ना, तो डायरेक्शन हमने दोनों की अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन ली, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कब अपोजिट डायरेक्शन, एक सेकंड प्रज्ञा किसकी अपोजिट ली मैंने, NO2 जो और NH2 है वो कैंसिल आउट नहीं कर रहे ना बेटा, दोनों अलग अलग है ना, कैंसिल आउट नहीं कर पाओगे, कैसे करोगे, दोनों अलग अलग है ना, तो मैंने तभी तो वहां पे वो वाला फैक्टर ही नहीं लगाया। आप ये पूछ रहे हो कि मैम ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नहीं है, ये मैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखा रही हूँ, रेजोनेंस करवा रही हूँ प्रज्ञा, नहीं ये डाइपोल मोमेंट की कहां से बेटा डायरेक्शन, ये तो मैंने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाई है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, प्लस एम इफेक्ट से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा। जिसको ये क्वेश्चन समझ में आया बहुत अच्छी बात है, वरना छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अभी नीट में नहीं आया है, अगर इनकेस कभी आए तो मैंने आप लोगों को बता दे कि ऐसा आ सकता है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा सा एक्टिव होके बैठो भाई क्लास में, ठीक है। ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नहीं थी, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखा रही थी मैं, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, रेजोनेंस में दिखा रही थी मैं, ठीक है। चलो चलें आगे, ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूं डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन की, तो वो भी क्या करता है बेसिकली, जैसे मान लो HCl है, तो वो भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिखा रहा है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव जा रहा है, ठीक है। लेकिन बस कंफ्यूज ना होना आप लोग, ठीक है, ये अलग चीज थी, ठीक है। समझ में आ गया कैसे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, सेपरेशन ऑफ चार्ज इस वाले फॉर्मूले से करना है, ठीक है। चलो
इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग समझ आना चाहिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर. अब मुझे आप ये बताओगे कि इनमें से कौन सा पोलर होगा, इनमें से कौन सा पोलर होगा. ए होगा प्रज्ञा सिंह ए, ए क्यों होगा पोलर. हाइब्रिडाइजेशन निकालने आती है तुम लोगों को, हाइब्रिडाइजेशन निकालने आती है क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, नंबर कैसे निकालते हो हाफ ऑफ. आंचल क्या होगा, अनामिका देवयानी बोलो बेटा. पार्थ क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस में क्या कहते हैं जितने दे रखे हैं फ्लोरीन के एटम उतने लेते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के. सबने गलत बोला आंसर, सबने गलत, अब सबको रिग्रेट होगा कि ये क्यों बोला. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, मतलब जो एक बॉन्ड बनाता है ठीक है, मोनोवेलेंट एटम. अगर प्लस माइनस चार्ज है, डी भी गलत, डी भी गलत, बी या सी में से एक कंफ्यूज हो लेकिन प्लस माइनस चार्ज हो तो एड एड माइनस करते हो आप लोग ठीक है. तो फर्स्ट हम आते हैं यहाँ पे XeF4 हाफ ऑफ जिनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एट, और मोनोवेलेंट कितने हैं फोर. तो एट प्लस फोर कितने होंगे, 12/2 कितना हो गया, सिक्स. तो सिक्स के केस में क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2, यानी कि इसमें क्या होगा, छह में देखो सिक्स है फोर ये है, माइनस कर दो सिक्स माइनस फोर टू, तो दो तो लोन पेयर होंगे और चार क्या होंगे बोन पेयर. मैंने अभी लिखवाई थी उस ट्रिक में, अगर दो बोन पेयर हैं और चार लोन पेयर हैं तो उसमें क्या होगा डायपोल मोमेंट जीरो होगा. क्यों, क्योंकि ये इस तरह की ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लैनर ठीक है, इसमें डायपोल मोमेंट जीरो रहता है ठीक है. अगर मैं IF5 की बात करूं तो IF5 में क्या होगा, हाफ ऑफ 7+5, आयोडीन के 7 होते हैं प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 12/2, 6. तो पांच बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर. तो क्या मैंने ऐसा कोई केस लिखवाया था जिस केस में डायपोल मोमेंट जीरो होता है, तो डायपोल मोमेंट इसका ही नॉट इक्वल टू जीरो होगा और यही आपका पोलर होगा. ये तो टेट्राहेड्रल है जिसने डी बोला बेटा, दिस इज योर टेट्राहेड्रल. और ये क्या है SbF5, इधर आओ. एंटीमनी कौन सी फैमिली का मेंबर है, एंटीमनी नाइट्रोजन फैमिली. वो हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5+5, 10/2 कितना हो जाएगा 5. तो पांच बॉन्ड पेयर है, जीरो लोन पेयर है. तो जब कोई लोन पेयर नहीं होता, साइड एटम सेम होता है, तो उसमें डायपोल मोमेंट क्या होता है जीरो. तो क्यों सी कर रहे थे तुम लोग, ठीक है. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके मैम ठीक है. मनोज गया क्या, मनोज गुप्ता. नो मैम यही हूँ. हाँ दिख ही नहीं रहा मेरे को. अच्छा ठीक है ओके, हो गया, हो गया ये क्वेश्चन. कोई डाउट तो नहीं है, कोई बात नहीं और करेंगे ऐसे क्वेश्चन. अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया है ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे कि नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इसको पूरा लिख लो जो मैंने समझाया है, ताकि मैं नीचे वाला फिर क्वेश्चन समझाऊं आप लोगों को ठीक है. कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, इनके पीछे कंसेप्ट्स भी हैं जो आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए. क्या हुआ बेटा अंशुल, मैम साइड एटम तो सब में सेम है. बेटा कहाँ ध्यान है तेरा, साइड एटम सेम होना चाहिए और लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए सेंट्रल मेटल एटम पे, तब आप बोलोगे उसका डायपोल मोमेंट जीरो है. उसके अलावा दो केस और बताए थे बेटा मैंने, चार बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, या दो बॉन्ड पेयर और तीन लोन पेयर. अगर ऐसे दो केस आ जाते उस केस में भी डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा. ये वाला क्वेश्चन करो ये वाला करो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव द परमानेंट डायपोल मोमेंट फॉर बोथ मेंबर्स. देखो मैं ना इजी क्वेश्चंस यहाँ पे लाके ना आप लोगों का दो घंटे तो कॉन्फिडेंस अप कर दूंगी, लेकिन पता चले पेपर में एग्जामिनर ने क्वेश्चन को घुमा दिया तो आप लोगों का जो माइंड है ना वो वहां पे उस एफिशिएंसी से नहीं सोच पाएगा, क्योंकि आप इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके गए हो.
थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो कि अगर उससे लेवल कम आया तो हम आराम से वो सॉल्व कर ले। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, हाँ जी बेटा, हाँ जी। मैम ये जो आपने 6-4 करा है, मतलब आपने मतलब जैसे एक्स ही F4 है, तो 4 को देख मतलब 6-4 F में से कराया आपने। हाँ जी, इसका मतलब ये होता है साक्षी कि 4 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनेंगे और 2 लोन पेयर होंगे, तो 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ओके मैम, ठीक है, ऐसे कर लो आप अगर माइनस वाइनस नहीं करना है तो। ठीक है, वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। परमानेंट डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब होता है? कि जो म्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, यही होता है ना। परमानेंट डायपोल मोमेंट का मतलब क्या है कि जो आपका मॉलिक्यूल है वो क्या होना चाहिए? पोलर होना चाहिए। क्वेश्चन का यही मतलब है। यस मैम। ये 2003, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, जो B02 के यहाँ पे बच्चे हैं जिनको मैंने ये चैप्टर कराए थे, ये सारे क्वेश्चंस मैंने उनको कराए थे, बट किसी का रिस्पॉन्स ही नहीं है क्लास में। देखो, विद हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट, तो आप मुझे चेक करके बताओ कि किस केस में डायपोल मोमेंट परमानेंट होगा, या सिंपल ये देख लो कि किस केस में जो मॉलिक्यूल है वो पोलर होगा। ए बी सी डी, 66 स्टूडेंट है, जल्दी बताओ। मुझे ये डर लगता तुम लोगों का, तुम जल्दी जल्दी में ना क्वेश्चन गलत कर दो। तुम्हारा क्या आया है? ओके, सबका बी आ रहा है, यस सी नहीं आएगा बेटा। सी कैसे आएगा पूजा? CO2 का तो 0 होता है। हाँ प्रिया सही कह रही है, CO2। आपको दोनों का देखना, आपको एक पे जज नहीं करना है। प्रणव, ए कैसे बताया बेटा तूने? NO2 और O3 में क्या है? O3 एंगुलर शेप होती है, पता है ना ये वाली चीज, है ना? O3 क्या होती है? एंगुलर होती है, तो इसका डाइपोल मोमेंट तो नॉन वो होगा, नॉट इक्वल टू 0। और NO2 क्या होता है? इसका तो आ जाएगा। इसका भी डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, तो आपको दोनों का देखना है, एक का नहीं दिखना। वो देखो आपको पहले लिख के दे रहा है, फॉर बोथ मेंबर। SiF4 क्या है? टेट्राहेड्रल है, साइड एटम सेम है, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है सेंट्रल एटम पे। समझ रहे हो? CO2 तो वैसे ही नॉन पोलर है। यस मैम। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? 2003 में आया हुआ था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द कंपाउंड डेट हैज द HMH बोन एंगल, लार्जेस्ट बोन एंगल। अच्छा, राधिका पूजा है क्या? आज मेरे घर भी पूजा है, और देख लो मैं यहाँ पे पढ़ाने बैठी हूँ। आ गया मैम, अभी आया मैं अभी। हाँ ठीक है, अष्टमी की पूजा थी क्या? जी मैम, मैं अच्छा मेरा फास्ट था ना, तो फास्ट करना पड़ता है। हाँ, वो तो पता है। चलो कोई बात नहीं, तभी मैं सोचू आई नहीं शांति क्यों आज क्लास में। नहीं मैम, अब आ गया ना, अब शांति नहीं रहने दूंगा। चलो चलो करो। द कंपाउंड डेट हैज द लार्जेस्ट HMH बोन एंगल। ठीक है, देखो लार्जेस्ट बोन एंगल का क्या मतलब है? आप लोगों को बोन एंगल तो पता होना चाहिए। तो SP का बोन एंगल क्या होता है? लीनियर होता है। बोन एंगल कितना होता है बच्चे? 180 डिग्री होता है। SP2 क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है, 120 डिग्री होता है। SP3 क्या होता है बच्चे? टेट्राहेड्रल होता है, 109, मेरे को पूरा नहीं लिख रही हूँ इतना होता है। SP3D क्या होता है? ट्राइगनल बाइपिरामिडल होता है, और इसमें 120 और 90 और 180 के एंगल्स होते हैं। समझ पा रहे हो? SP3D2 में भी क्या होते हैं? ऑक्टाहेड्रल होते हैं, और 90 और 180 डिग्री के एंगल्स होते हैं। ये पता है ना सबको बेटा? यस मैम। फिर बोल रही हूँ, जो बच्चे NCERT की टेबल है वो आप लोग करोगे करोगे करोगे, उसके बिना तुम्हें नहीं पता लगेगा कि किसी की क्या शेप होती है, किसी की क्या ज्योमेट्री होती है, किसी का क्या एंगल होता है।
फिर भी मैं ट्राई करूंगी, क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो क्वेश्चंस के थ्रू ही तुम्हें समझा दूं, बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। चल तो अगर हम देखें H2O NS, देखो CH4 क्या है, टेट्राहेड्रल है, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। तो इसका 109 डिग्री आप 28 मिनट बोलते हो, इतना एंगल होगा, देखो एक बार। यस मैम। अगर मैं बात करूं NH3 की बेटा, तो NH3 में क्या होगा, एक ही लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर, अब ये क्या है, टेट्राहेड्रल तो है नहीं कंप्लीट, अब क्या इसमें लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन है, तो इसका जो एंगल है वो 109 से छोटा हो जाएगा, बोलो। Yes. अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो आप बोलोगे मैम पानी है ये, तो पानी में तो दो लोन पेयर होता है, तो इसमें रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। Yes, फिर आप बोलोगे कि मैम सल्फर भी इसी का फैमिली का मेंबर है, तो इसका भी आप यही स्ट्रक्चर बनाओगे और मैम कहोगे कि इसमें भी रिपल्शन होगी। सिर्फ डी ही ऐसा है जिसमें कोई रिपल्शन नहीं है, सारे के सारे बोन पेयर है, देयर इज नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, देयर इज नो लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन, देयर इज ओनली बोन्ड पेयर रिपल्शन। और ध्यान रखना बोन्ड पेयर रिपल्शन बहुत कम होती है, सबसे ज्यादा होती है लोन पेयर रिपल्शन, फिर होती है लोन पेयर बोन्ड पेयर, और फिर होती है, यहाँ पे लिख रही हूँ, फिर होती है बच्चा बोन्ड पेयर, ठीक है, ये होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एंगल किसका होगा, CH4 का। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं डाला कि मेरे को इसका आंसर बताना था, मैंने यहाँ पे इसलिए डाला क्योंकि जो ये आपका SH2 है ना बच्चे, H2S है जो, वो क्या है आप लोगों का, ड्रैगोस कंपाउंड है। क्या है आप लोगों का, ये ड्रैगोस कंपाउंड। व्हाट इज ड्रैगोस रूल, ड्रैगोस रूल से ही आया है ये, लिखो यहाँ पे जिन्होंने नहीं लिखा हुआ, ड्रैगोस रूल क्या होता है, ड्रैगोस रूल किस पे लगता है, लिखो, मैं बोल देती हूँ, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने लग गए हैं ड्रैगोस रूल से, लिखो। जो ड्रैगोस रूल है ना बच्चे, वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट या उनसे हायर एलिमेंट पे लगता है, लिख लो, अप्लाई ऑन थर्ड पीरियड और हायर मेंबर और हायर पीरियड मेंबर, मतलब क्या हुआ, थर्ड के बाद, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, उस पे लगते हैं ये, ठीक है। जनरली हम इसमें बात करते हैं ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के कंपाउंड्स की, जनरली हम इसमें बात करते हैं ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के कंपाउंड्स की। दूसरी चीज ये लिखो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए ऑफ साइड एटम, वो कितनी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2.5, मतलब जो आपका साइड एटम लगा हुआ है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो 2.5 होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। फिर बोल रही हूँ 2.5 होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, जितनी हाइड्रोजन की होती है इतनी, क्योंकि अगर आप कोई और ले लोगे तो उसकी 2.5 से ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है। जैसे ये देखो आपके बेटा, ये ग्रुप 16 के मेंबर्स हैं, पानी एक मिनट राधिका, पानी और H2S। ध्यान रखना जो आपके ये थर्ड पीरियड वाला बच्चा एलिमेंट है, ये इससे आगे वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फिर बोल रही हूँ, थर्ड पीरियड वाले या उससे आगे वाले एलिमेंट, उसके बाद वाले एलिमेंट हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो मिक्सिंग भी नहीं होगी, और मिक्सिंग नहीं होगी तो यानी कि जो इसके इलेक्ट्रॉन है सल्फर के, वो किस में पड़े रह जाएंगे, प्योर एस ऑर्बिटल में पड़े रह जाएंगे, यानी कि देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और जितने भी ये ड्रैगोस कंपाउंड होते हैं, इनके अप्रोक्सीमेट कितने डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 कितने डिग्री का होता है, बोन एंगल 90 डिग्री का होता है ड्रैगोस रूल में। क्या चीजें ध्यान रखनी है, थर्ड पीरियड या उससे हायर जितने भी मेंबर हैं उस पे लगता है, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 की ही जनरली हम बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होनी चाहिए साइड एटम की, वो या तो 2.5 होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। पूरा लेक्चर हो सकता है इसके ऊपर हम 40 मिनट का, लेकिन हम ऑब्वियस बात है उस पे हम नहीं जाएंगे। तो ध्यान रखना जितने भी ड्रैगोस कंपाउंड होते हैं उनका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का, और वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मैं ये जरूर बता देती हूँ, हाइब्रिडाइजेशन
हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी आपका कोई मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन होके बॉन्ड बनाता है तो उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है. इट मीन्स वो प्रोसेस जो होता है हमारे लिए फेवरेबल होता है. क्यों? अगर H2 आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ध्यान से सुन लो, तो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बीच बॉन्ड बन रहा है वो स्टेबल है. अगर स्टेबल है तो एनर्जी अच्छी खासी निकलेगी. वाइल इन केस ऑफ H2S सल्फर और H का बॉन्ड इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती लेकिन जितनी हमें देनी पड़ती है फॉर हाइब्रिडाइजेशन. इस वजह से इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती और एंगल जो है उसका 90 डिग्री रह जाता है. ये है पूरा ड्रैगोस रूल. क्या ये पल्ले पड़ी बात? यस मैम. ठीक है राधिका आप बोलो. यस मैम. मैम मैं ये बोल रहा था कि ड्रैगोस रूल के अंदर ऐसा होता है कि एटलीस्ट एक लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए या फिर एटलीस्ट लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए वहां पे. हाँ लोन पेयर तो होगा. जैसे देखो ये किस पे अप्लाई हो रहा है, राधिका ग्रुप 15 है लोन पेयर. ठीक है तो ग्रुप 16 में देखो ये है सल्फर है. ठीक है तो सल्फर में आप क्या कहते हो कि लोन पेयर तो होंगे, ऑब्वियस ही बात है. तो जिसके लोन पेयर है ना वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ना करके प्योर एस ऑर्बिटल में पड़े रहते हैं. जैसे आप देखो PH3 है, इसके भी 3 बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर पड़ा रह जाएगा, तो इसका भी एंगल क्या होगा? 90 डिग्री. ये भी अपना 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री के आसपास होगा और ये ड्रैगोस कंपाउंड होगा. ओके प्रिया, ये 90 डिग्री ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है जो इनके लोन पेयर है वो एस ऑर्बिटल में पड़े रहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते मिक्सिंग होती तभी तो इनका एंगल 109 के आसपास जाता. ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होता है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, एंगल 90 डिग्री रहता है इनका अप्रोक्स. ठीक है तो इसका आंसर तो डी था लेकिन मैंने आपको ड्रैगोस रूल बताना था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला है. क्लियर है? Yes, ठीक है चलो ये वाला क्वेश्चन करो. इफ AB, हाँ पढ़ो बच्चे. इफ AB4 मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल, अ पॉसिबल ज्योमेट्री ऑफ AB4 इज. दिव्यानी आप बताओगी इसका आंसर? दिव्यानी अगर AB4 पोलर मॉलिक्यूल है तो पॉसिबल ज्योमेट्री क्या होगी इसकी AB4 की? मतलब मेरे को मन कर रहा है कि मैं एक एक चाटा सुबह सुबह सबको लगा दूं. बी कैसे बोल रहे हो? पोलर पूछा है भाई उसने. तुम लोग सोच समझ के आंसर क्यों नहीं करो? तुम्हें लगता है एग्जामिनर इतना इजी क्वेश्चन दे देगा क्या? बेटा AB4 पोलर है, टेट्राहेड्रल पोलर होता है क्या? चंचल बोल रू, आंचल अनामिका जो तुमने और ये बाकी राधिका इन सब ने गलत दिया आंसर मेरे को. अगर एक भी दे रहा है तो दूसरा भी दे रहा है. सोच लो बेटा थोड़ा. ए होगा क्योंकि स्क्वायर पिरामिडल क्या होता है? लोन पेयर होता है यहाँ पे. ठीक है साइड एटम तो है ही सेम लेकिन लोन पेयर प्रेजेंट है और अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो पोलर होगा. बाकी किसी में भी नहीं है लोन पेयर प्रेजेंट, ना ही स्क्वायर प्लैनेट में. तो वही वाला केस आ गया, 4 बोन पेयर 2 लोन पेयर वाला. और ये भी क्या है? रेक्टेंगुलर प्लैनर है और ये टेट्राहेड्रल है. समझ में आया? यस मैम. ठीक है ट्राइगोनल बायपिरामिडल बच्चे वो होगा नॉन पोलर होगा अगर साइड एटम सेम है और कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है. ये क्वेश्चन नंबर कैसे चेंज हो रखे हैं भाई? हाँ अभी ये वाला करो. द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ XeF5 नेगेटिव एंड XeO3F2. सोच समझ के आंसर करना बच्चे. जब भी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर करो ना दिमाग में ये बिठाना भाई 16 नंबर का चैप्टर है तो आज ज्यादा टाइम देना है. अगर आप फिजिक्स और बायो में ऐसा चैप्टर करो जिसकी वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है तो आप ज्यादा अपना टाइम इस पे स्पेंड करेंगे. 16 नंबर बहुत मैटर करते हैं. खास नाया मैम एक बार लास्ट क्वेश्चन फिर से दिखाइए प्लीज. हाँ ये लो मैम. इसमें स्क्वायर पिरामिडल कैसे हो सकता है? इसमें तो मतलब AB4 है ना, तो स्क्वायर पिरामिडल में तो 5 बॉन्ड पेयर बनते हैं. एक सेकंड रुको. यस मैम एक मिनट रुको. यस मैम डी
स्क्वायर पिरामिडल में तो बिल्कुल सही बोला है सनाया ने, सही पकड़े बेटा, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है क्योंकि इसका आंसर तो ए ही आएगा। स्क्वायर पिरामिडल में तो आप लोगों के पांच बोन होते हैं, यहाँ पे या तो ए बी सिक्स आना चाहिए था। क्योंकि अगर ऐसा है ना तो ये क्वेश्चन ही गलत है फिर, क्योंकि टेट्राहेड्रल हमें पता है कि नॉन पोलर होता है, इन्होंने बोल दिया कि ए बी फोर मॉलिक्यूल इज पोलर, तो पॉसिबल ज्योमेट्री ना तो ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो ये स्क्वायर प्लैनर को भी पोलर बोल रहे हैं ना तो ये गलत बोल रहे हैं, इन्हों तो नॉन पोलर होता है ये हमारे पास, समझ रहे हो? या तो यहाँ पे इनको मेंशन करके देना चाहिए था ए बी सिक्स, या कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करके देना चाहिए था। ठीक है, तो अगर मान लो ये मैं सारा हटा दूं और सिंपल आपसे ये पूछूं कि इसमें पोलर मॉलिक्यूल बता दो, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए फिर? स्क्वायर, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लेनर नॉन पोलर ही है, इन्होंने ये कुछ गड़बड़ की हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने देखा नहीं ध्यान से, मेरा ध्यान सिर्फ स्क्वायर पिरामिडल पे गया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सिर्फ पोलर की तो स्क्वायर पिरामिडल पोलर होगा। ठीक है सुनाया? यस मैम। चलो आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो। फोर की जगह फाइव होता तो ठीक हो जाता ना? हाँ, फोर की जगह फाइव होता तो ठीक हो जाता, फिर तो एक ही बचता ये वाला। ठीक है, हाँ ए बी फाइव होता तो बिल्कुल ठीक होता। चलो, क्योंकि यहाँ पे जो बी रिप्रेजेंट कर रहा है ना वो बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो इधर देखो एक बार, द शेप स्ट्रक्चर ऑफ, आपको इसका शेप या स्ट्रक्चर जो भी पूछा हुआ है आप लोगों को वो बता रहा है। तो फटाफट से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। yes, ma'am. निकालो फिर जल्दी से निकालो, जिसका ऊपर yes, वाला क्वेश्चन हो गया वो नीचे वाला करेगा। कल का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा केमिकल काइनेटिक्स रहेगा। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, चलो निकालो बच्चे इसका। मैं भूल ही गई थी कि सनाया क्लास में है, उसने बोला तो मेरे को ध्यान आया कि क्लास में आई एम, नहीं तो मुझे लग रहा था नहीं आया आप। चलो, और बेटा तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो तुम लोग नीटो पर बैच टू में ऐड हो रखे हो ना उसमें से प्लीज लीव कर दो, जो जो तुम अपने बैचेस में हो ना उसमें ही रहो, बाकी सबको लीव करो। तुम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो क्या इन सबसे? अलग अलग ग्रुप में जुड़े हुए हो, नीट टॉपर वन वाले नीट टॉपर टू में भी है, नीट जो टॉपर थ्री वाले बच्चे हैं वो टू में भी घुसे हुए हैं। अरे ये मत किया करो, लीव कर दो अपने सारे ग्रुप, जिसमें हो उसमें रहो बस। क्या होगा बच्चे एक्सीएफ फाइव, आपको लगता है नीट में आपके पास इतना टाइम होगा जितने मैंने दे दिया आपको? हाफ हो no. जिनोन का क्या होगा? एट, लेकिन इज सेइंग ए, ओके एट प्लस फाइव प्लस वन है ना, यही होगा ना? तो एट प्लस फाइव कितना होगा? थर्टीन प्लस फोर्टीन बाय टू सेवन आएगा मैम। सेवन का मतलब क्या हुआ? फाइव बॉन्ड पेयर और दो लोन पे, ये किसका होता है? पेंटागोनल प्लेनर का होता है। इधर आ जाओ, हाफ ऑफ जिनोन का एट होता है, ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव टू कंसीडर ओनली मोनोवेलेंट एटम। तो एट प्लस टू कितना होता है? टेन बाय टू, फाइव। ट्रायंगल होगा इसका, इसका स्ट्रक्चर भी मैं आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ। एक्सियल पोजिशन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा और इक्विटोरियल पे उससे कम, ऐसे बनेगा। देखो एक बार, कोई ऐसा है स्टूडेंट जिसको डाउट हो क्या कर दिया मैम ने? नो मैम, पक्का वाला नो मैम ना? ठीक है, हाँ मैं पक्का। ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, देखना sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता होना चाहिए, आयोडीन ग्रुप 17 का तो 7, सीएल मोनोवेलेंट कितने हैं? 4, माइनस वन का नाम का प्लस वन, तो सेवन प्लस फोर इलेवन प्लस वन
सिक्स होगा तो sp3d2, ये तो तुमने कर लिया, शाबाश, क्लियर है। और बेटा लीव मत करो, क्लास में लीव करने के लिए आते हो क्या क्लास को? गिने चुने वही 50 बच्चे सीरियस हैं क्लास में, बस। चलो आगे चले, चलो क्वेश्चन नंबर कहाँ से चेंज हो गए भाई। चलो द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3 नेगेटिव इज, ये वाला तो फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, आपको लोन पेयर बताना है बेटा I3 नेगेटिव में कितने होंगे बता दो। अर्षिता, अर्षिता से तो मैंने आज क्वेश्चन ही नहीं पूछा। हाँ अर्षिता, I3 नेगेटिव में कितने लोन पेयर होंगे? इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि I3 नेगेटिव को II नेगेटिव करके, राधिका जी? हाँ मैम। तो इसको कैसे निकालोगे? इसके एवरेजेशन मैम 7 + 2 7 2 × तो 10/2 कितना हो गया 5, तो यानी कि 2 पेयर और 3 लोन पेयर और 3 लोन पेयर, और जिसने ये देख के ये लगा दिया उसका क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि आपसे क्या पूछे? टोटल लोन पेयर पूछे, सेंट्रल मेटल एटम पे लोन पेयर नहीं पूछे। ये सेंट्रल मेटल एटम को दिखाते हैं कि कितने सेंट्रल मेटल एटम पे लोन पेयर है। टोटल कैसे निकालेंगे? जब तक हम इसकी ज्योमेट्री ना बना ले। यस ठीक है, एक लोन पेयर, एक सेकंड रुको, लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन पे रखना होता है, ठीक है, क्योंकि वो कम रिपल्शन फेस करता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं वर्बली बोल देती हूँ, और ये पेपर में बड़ी काम की आएंगी, ठीक है। चलो 3 लोन पेयर तो यही हो गए, और आयोडीन पे 3 लोन पेयर है, नीचे वाले आयोडीन पे भी 3 लोन पेयर है, तो टोटल कितने हो गए? 9। हाँ एक बार सभी देखो, 9 लोन पेयर होंगे। अर्षिता, यस, अतुल, सुमन, पूजा, 9 लोन पेयर होंगे। साक्षी, अंजलि, पास, ठीक है, 9 लोन पेयर होंगे, समझ में आ गया। अगर वो पूछता सेंट्रल मेटल एटम पे तो हमारा आंसर क्या होता? फर्स्ट होता 3। कशिश आ गया, डोली, ठीक है। मैम एक बार दोबारा बता दो ये क्वेश्चन। ये देखो इतना निकाल लिया तुमने गौरव? हाँ मैम निकाल लिया, ठीक है। ये शेप भी बन जाएगी? हाँ मैम बन जाएगी। मैम कैलकुलेट आपने कैसे किया समझ नहीं? अच्छा ये देखो 3 लोन पेयर तो ये हो गए 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। यस मैम। आयोडीन, आयोडीन एक बोन बना रहा है ना, ठीक है, बाकी उसके बाकी उसके ऊपर कितने लोन पेयर होंगे? 3 ना, तभी तो 1 2 3 4 5। आ गया मैम समझ में, आ गया मैम, ठीक है मैम, ठीक है। 3 3 6 और 3 9। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इन्वॉल्व चेंज इन बोथ शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा सा जल्दी लेना पड़ेगा क्लास को, ठीक है, बताओ। आपको ए बी सी डी को ध्यान, सनाया ये आंसर आप बताओगी, अगर सनाया नहीं बता पाई तो दिव्यानी बताएगी, दिव्यानी नहीं बताई तो अंचल, आंचल नहीं बता पाई तो अनामिका, ठीक है। लाइन में लगा दिए 4 बच्चों को। हाँ राधिका, हाँ मैम, इसमें जब हमने 1/2 7+, ये इसमें 2 कैसे आ गया? किसमें बेटा? मैम इसी में 1 II 2 - 1/2 7+, ये 2 कैसे ला दिया? मोनोवेलेंट है ना, क्योंकि मैंने इसको क्या किया बच्चे, इस वाले टर्म में लिख लिया, मतलब अब मेरा ये क्या सेंट्रल मेटल एटम है और इसके साइड वाले ये क्या है साइड एटम, अच्छा साइड एटम, क्योंकि I3 नेगेटिव को ऐसे आप सोल्व नहीं कर सकते हो ना डायरेक्ट, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने किससे क्वेश्चन पूछा है? अर्षिता से पूछा है क्या? ओ सॉरी नहीं, किससे पूछा? सनाया, हाँ सनाया, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इन्वॉल्व्स चेंज इन बोथ, आपको देखो दोनों देखने हैं सनाया, शेप भी चेंज होनी चाहिए और हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होनी चाहिए, ठीक है, बताओ अगर हो गया तो। निकालो बाकी सारे बच्चे निकालो, आंचल हो गया बताओ? मैम ये ऑप्शन होगा मैम, ट्राइगोनल से टेट्राहेड्रल बन रहा है, ठीक है। BF3 में बच्चे देखो क्या है, प्लेनर शेप है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन जैसे ही आप इसको चेंज करोगे BF4 नेगेटिव में तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बच्चे इसकी? sp3 हो जाएगी बोरोन की, और जो इसका ज्योमेट्री या शेप बोलूं तो टेट्राहेड्रल हो जाएगी।
तो किस में चेंज आ रहा है, सिर्फ बी में आ रहा है, बाकी सब में आप देखेंगे कोई एक चेंज होगा या कोई भी चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो? आपको दोनों बताने, शेप भी चेंज होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन भी, समझ में आया? यस मैम। यस, जैसे ये मैं फटाफट लिख रही हूँ ना, मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली फिट है कि BF3 की प्लेनर होती है, आप लोगों को भी ऐसे करना, वहां पे जाके क्या इस सिंपल के लिए आप ये लगाओगे क्या मैम 5+3 8 करके? नहीं, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए टिप्स पे, तभी तो इतने मार्क्स का आता है ये चैप्टर, क्योंकि ये नंबर दिलवा भी सकता है, तुम्हारा नंबर कटवा भी सकता है, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, इसकी आपको अच्छे से, आज एनसीईआरटी टेबल 2 बार आप अपनी नोटबुक में करके देखेंगे उसको। ओके मैम। यस, ठीक है। जैसे मेरे दिमाग में है ना BF3 की SP2 होती है, आप लोगों के भी ऐसे ही रहना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी। और अब वो टाइम है कि आप बना बना के नहीं देख सकते सारी चीजें। चलो नेक्स्ट आओ बच्चे। आइडेंटिफाई द पेयर इन विच द ज्योमेट्री ऑफ द स्पीसीज इज टी शेप एंड स्क्वायर पिरामिडल। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दूं? यस मैम, कर लेंगे मैम। बताओ आपको क्या बताना है, टी शेप बताना है और स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बतानी है? हो जाएगा मैम, कर लेंगे मैम। यस मैम। चलो, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तो कर लोगे सारे के सारे। ये बताओ, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन BF3 NH3 PF3 एंड I3 नेगेटिव। देवयानी, आपने ऑफलाइन उसके लिए गूगल फॉर्म फिल कर दिया बेटा? यस मैम। ठीक है, आपको क्या बताना है, बॉन्ड एंगल बताना है। बताओ किसका ज्यादा किसका कम होगा। क्योंकि ये करने के बाद हम MOT पे मूव करेंगे बेटा, ठीक है? चलो करो। किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? अर्षिता मैम, BF3 का सबसे ज्यादा होगा। प्रणव मैम, ये होगा I3 का ज्यादा होगा सबसे। बेटा I3 का ज्यादा होगा, 180 डिग्री होगा ना इसका। अभी इसका इसका मैंने शेप भी बना के दिखाएगा तुम लोगों को। यस मैम, बना। लीनियर है बेटा, शेप लीनियर है ना, 180 डिग्री होगा है ना। BF3 का क्या होगा, 120 डिग्री होगा। तो सबसे पहले I3 नेगेटिव, फिर BF3, तो यानी कि ऑप्शन ए होगा। लेकिन मैम व्हाट अबाउट दीस टू, इसको आप कैसे बोलोगे? अब ये मत बोलना मैम ये ड्रैगोस कंपाउंड है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या 2.5 से कम होनी चाहिए हाइड एटम की, लेकिन ये 2.5 से ज्यादा है, यानी कि ये हाइब्रिडाइजेशन करेगा और इसकी भी क्या होगी, पिरामिडल शेप होगी। समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ? yes, ठीक है, तो आप दोनों की पिरामिडल है, अब कैसे आप डिसाइड करेंगे? दोनों का सेम एंगल तो होगा ही नहीं, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे किसका बोन एंगल ज्यादा होगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यस, है ना? आप कहोगे कि मैम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जो बॉन्ड पेयर है इसके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ शिफ्ट करेगा थोड़े बहुत, है ना, इसकी तरफ शिफ्ट होंगे ना थोड़े से नाइट्रोजन की तरफ। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगी, एंगल क्या होगा, खुल जाएगा। बोलो हाँ या ना? yes, 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 जबकि फॉस्फोरस में क्या है, ऐसा नहीं है। फॉस्फोरस में सुमित, समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन के पास ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो उसमें ऐसा नहीं होगा। तो NH3 का एंगल ज्यादा हो जाएगा, PF3 का कम हो जाएगा। क्या ये दोनों की एक्सप्लेनेशन समझ में आई? सुमित, डोली, यस मैम, अनीता, अंशु, अंशुल, अंजलि, अनीता, ए ए के नाम वाले बहुत हैं, ठीक है? प्राची है क्या यहाँ पे? साक्षी, प्राची, यस मैम। चलो, हो गया क्लियर, आगे चलूं? यस मैम। ये वाला करो, आज एक तो अंकुश नहीं आया है क्लास में और एक सामिया नहीं आई दिख रही, वैसे तो आए तो और भी नहीं है, ये दोनों को मैं देखती हूँ। चलो, द स्पीसीज इन विच द नाइट्रोजन एटम इज इन अ स्टेट ऑफ SP हाइब्रिडाइजेशन इज। मैम हाँ,
पिछले वाले क्वेश्चन को हम शेप के बेसिस पे कर सकते थे? कैसे बच्चे बताओ थोड़ा, मतलब साइज की बेसिस पर, क्योंकि जो बॉन्ड एंगल होता है इनवर्स रिलेशन होता है साइज का। लेकिन बॉन्ड एंगल का तो दोनों का सेम हो, मतलब सॉरी ठीक है। अच्छा फिर साइज किसका छोटा होगा? मैम छोटा तो एनी होगा ना, जिसका साइज छोटा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। ना 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 ना, वो कोई और कंसेप्ट होता है बच्चे, ठीक है। और वैसे भी साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, लेकिन वो और कंसेप्ट है, वो बेंट रूल की एप्लीकेशंस होती हैं, उस पे मैं आपको लेके नहीं जा रही, वो जेई का टॉपिक है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है, जहां पे आपको दिख रहा है कि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप साइज पे नहीं बोल सकते, क्योंकि जो एच और एफ है इनके साइज में इतना डिफरेंस नहीं है, दोनों छोटे मतलब ज्यादा बड़े नहीं है। नहीं मैम सेंट्रल मेटल का बोल रहा हूँ, सेंट्रल मेटल क्या है? सेंट्रल मेटल एटम की बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है तुमने, ठीक है, समझ आ गए? वैसे अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी, क्योंकि तुम्हें पता है नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ पुल करके रखेगा, हाँ, जबकि फोस्फोरस नहीं है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन के पास ही रहेंगे वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इस बेसिस पे आप एक्सप्लेन करेंगे। चलो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अर्शिता तुम बताओगी क्या? यस मैम। अर्शिता नहीं बता पाई तो अमन बताएगा, अमन कुमार। हाँ अर्शिता, एसपी हाइब्रिडाइजेशन किसकी है? NO3 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाली? SP2? आशुतोष नहीं, अमन तुम बताओगे? अमन कुमार गायब हो क्या? आशुतोष तुम बताओ NO2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? तुम लोग पढ़ाई छोड़ दिए तुम लोगों ने, इससे ज्यादा एक्टिव जो तुम लोग क्लासेस में रहते थे। हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ रही है क्या निकालने तुम लोगों को इसकी? मैम आ रही। कैसे निकालोगे? NO2 प्लस की देखना, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन क्या होता है? डाइवेलेंट होता है, 5 माइनस 1 4 बाय 2, 2, तो इसकी sp होगी ना, यही तो ऑप्शन होगा तुम्हारा। यस मैम। और जिनको मेरी क्लास लीव करके जाने ना अभी, बेशक चले जाओ, ये बीच बीच में से गायब मत होया करो तुम लोग। सवा घंटा बैठने की हिम्मत होती है क्या तुम लोगों की? बस 3 घंटे पेपर कैसे दोगे फिर नीट का? NO2 नेगेटिव इन सब के निकाल लोगे बाकी ऐसे ही करके? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ प्रणव। गलती से। ओके, ये वाला बताओ, आइडेंटिकल शेप होनी चाहिए, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग आइडेंटिकल शेप। अब तो बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, अब तो कर दो, आइडेंटिकल शेप किसकी होगी? हाँ राधिका, तुम आंसर बताने को बोल रहा था मैं। अच्छा आंचल हो गया क्या? यस। क्या आंसर आया है? डी ऑप्शन। डी डी मैम, डी। अच्छा डी, देखूं CLF3 की क्या होती है निकालना एक बार, यही होती है क्या? टी शेप। और एक्सियो ऑफ एफ टू की क्या होती है? हाफ ऑफ 8 + 2 = 10, 10/2 = 5, तो इसमें भी यही होगी, सेम 3 bond pair 2 lone pair, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसकी भी टी शेप और ये भी टी शेप होगी। यस मैम। निकालने आ रहे हैं क्वेश्चन सब हाइब्रिडाइजेशन के?
देखो जो मुश्किल है ना उसकी तो निकालनी पड़े। अभी देखो ना मेरे को XeOF2 का मेरे को डाउट था तो मैंने निकाल के देखा, ठीक है। जो कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स है उनके तो निकाल के देखोगे, जैसे NH3 है वो सबको पता होता है, BF3 सबको पता होता है, ठीक है। तो जहां पे निकालने की जरूरत लगे तो निकाल लेना, कोई बात नहीं, 5 सेकंड लगेंगे निकाल लेना, बट आंसर सही करके आना, 4 बहुत मैटर करते हैं हमारे लिए, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे, नीचे वाला, ऊपर वाला करना मैम। हाँ हाँ हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन में XeOF2 था ना। हाँ तो इसमें तो 1/2 8 प्लस आपने फिर 2 ही लिखा, ऑक्सीजन काउंट नहीं होगा, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है ना बेटा। और मैम अगर हम हाइब्रिडाइजेशन फिर XeF2 का निकालते हैं, किसका बेटा? मैम CLF3 में CL का हम क्या लेंगे? हाफ ऑफ 7 + 3 क्या होगा? 5 ही तो होगा ना, sp3d 5 टेबल पे है, ठीक है, CLF3 यही होगा ना। 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, टी शेप होती है इनकी। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है ना तो इसके बिना पूरा केमिकल बॉन्डिंग नहीं कर पाओगे, तो इसलिए बोला है कि एनसीईआरटी की वो टेबल प्लीज अच्छे से कर लो, ठीक है। चलो ओके मैम। हाँ ये वाला करो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज 2 σ bond and 2 π bond। देखना HCN को, देखना कितने हैं सिग्मा बॉन्ड, 2। यस मैम, यस मैम, 2 π, 2 ही π है, इसमें 2 ही π प्रति निधि, ठीक है। ये तो हो ही जाएगा सबसे, है ना, इसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं समझाने का। ये वाला भी आप कर लोगे, स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर के लिए पहले क्या करोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, किसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। और ये सबसे पॉपुलर होता है XeF4 जिसकी स्क्वायर प्लानर होती है, तो इनको तो थोड़ा याद ही रखना है ना। ये टेट्राहेड्रल होती है, ये भी टेट्राहेड्रल होती है, ये भी टेट्रा, ये कॉमन है, ठीक है, इनको ध्यान रखो, ये तो बहुत फेमस रहता है तुम्हारा, तो ध्यान रखना, ठीक है। चलो मतलब निकाल भी सकते हो जिसको नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज विच हैव 2 ट्राइगोनल, यहाँ पे बाय पिरामिडल की जगह पिरामिडल कर लो, ठीक है। आपको बेसिकली पिरामिडल शेप बतानी है, इनमें से किसकी पिरामिडल शेप है, तो आपके पास ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या आप लोग ये कर सकते हो? पिरामिडल का मतलब क्या होता है, ये जैसे NH3 है, दिस इज योर पिरामिडल, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। अब आप चेक कर सकते हो कि किसमें ये वाला केस है, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर वाला, वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा, हो जाएगा ये तो अभी देखा। ये तो आपका वो है, यहाँ पे तो क्या बोलते हैं, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, और ये वाला क्या होता है, इसमें तो 3 बॉन्ड पेयर हैं, ट्राइगोनल अभी पीछे अगर आता तो बचा कौन सा, ये वाला और ये वाला, निकाल के देखना, यही आएंगे फर्स्ट एंड थर्ड। यस मैम, फर्स्ट एंड थर्ड। एक्सक्यूज मी मैम, मैम एक बार SO3 2 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए कैसे निकाल, मतलब देखो हाफ ऑफ अंजलि, सल्फर का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट तो कंसीडर नहीं करोगे, -2 के नाम का +2 करोगे तो 6 + 2 क्या हो जाएगा, 8/2 4, ठीक है। तो 4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। अभी समझ में आया? यस मैम। मैम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं वो s और p दोनों ऑर्बिटल्स के लेने होते हैं ना, जैसे हमने 10th में सीखा था कि वैलेंस कितने होते हैं। आपको अगर ग्रुप नंबर पता है अंजलि तो आप ग्रुप 16 का है ना सल्फर, यस मैम, तो बस ऐसे ध्यान रखो, s और p में क्यों कंफ्यूज हो रही हो, ग्रुप 16 तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 17 7 18 8 ये वाला क्वेश्चन करो मैम। हाँ
मम्मी आप जैसे ने क्वेश्चन आया मैम उसमें ये बोल रहे हैं ना कि O3 जो आ रहा है आपने बताया वो बायवेलेंट है तो उसकी भी हम लेते नहीं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, ऐसा कोई ऑक्सीजन के अलावा और कोई भी है? डाइवेलेंट और कौन कौन दो बॉन्ड बनाता है, सल्फर भी दो बॉन्ड बनाता है, आपको सिर्फ मोनोवेलेंट लेना है, जैसे हाइड्रोजन है एक ही बॉन्ड बनाता है, हेलोजन है वो एक ही बॉन्ड बनाते हैं, तो वही वाले लेने हैं आपको, ठीक है? मोनोवेलेंट लेना है जो एक बॉन्ड बनाता हो। ये वाला क्वेश्चन करो एक बार, इसको पढ़ लो क्योंकि मुझे MOT पे पहुंचना है, नहीं तो अपना वो वाला टॉपिक रह जाएगा, और MOT सबसे इजी है, बहुत इजी है, और अपने पास सिर्फ आधा घंटा है बच्चे, तो थोड़ा सा जल्दी करो। चलो मैं 9-10 तक ले लूंगी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम करो, है ना? कैसे करोगे बेटा ये क्वेश्चन? क्या बोला हुआ है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BF3 की इतनी है, CF4 की इतनी है, CF4 में CF की, करेक्ट रीजन बताना है, BF की इतनी एनर्जी क्यों है जबकि CF4 में इतनी एनर्जी क्यों है, यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन द रीजन, ठीक है? क्योंकि BF, ये वैसे पी ब्लॉक का क्वेश्चन है बट इसमें भी आप लोग कर सकते हो। आप लोगों को क्या पता है बच्चे, बोरोन के पास क्या होती है? वैकेंट प्योर वाइटल होती है, लुईस एसिड होता है, तो लुईस एसिड है तो मतलब इसको किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बोलो हाँ या ना? यस मैम, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कर देता है? बोरोन में दे देता है, और जैसे ही वो बोरोन में दे देता है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जगह क्या आता है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, देखो इस तरह से। यस मैम, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से जो पहले सिंगल बॉन्ड था अब उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो चुकी है? छोटी हो चुकी है। यस मैम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुई है? पी पाई इंटरेक्शन हुई है, मतलब इसके पी ऑर्बिटल में थे इलेक्ट्रॉन और इसके पास खाली पी ऑर्बिटल थी, तो इंटरेक्शन कौन सी हुई है? पी पाई इंटरेक्शन हुई है, ठीक है, जबकि CF4 में ऐसी कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि कार्बन तो बेचारा फुलफिल है, लोन पेयर नहीं, हाँ इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है वो, ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, ऑक्टेट उसका कंप्लीट है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? बी रहेगा। ये बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आगे चलूं? यस मैम, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, नीचे वाला आप खुद करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आयन ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, ऐसी कौन सी ज्योमेट्री होती है बच्चे जिसमें सारे बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड्स इक्वल नहीं होते हैं? ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल क्यों नहीं होता मैम ऐसे? देखो इधर आप ये बनाते हो, है ना, आप बोलते हो मैम इसमें 2 एक्सियल है और 3 इक्विटोरियल है, देख पा रहे हो 2 एक्सियल है और 3 क्या है? इक्विटोरियल है, वेरी गुड, निखिल ने बिल्कुल सही बोला। निखिल कहाँ था बेटा अभी तक, सुन रहे थे क्या मेरे को? ठीक है, और जो आपके एक्सियल बोन्स होते हैं वो लॉन्गर होते हैं देन इक्विटोरियल बोन्स, पता है ये वाली चीज? 2 एक्सियल के बीच में 180 डिग्री एंगल है, एक्सियल इक्विटोरियल के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, दो तरह के एंगल्स होते हैं TBP, 90 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है, तो 2 एक्विटोरियल, हाँ ये 2 इक्विटोरियल के बीच में 120, तीन तरह के एंगल होते हैं, सॉरी, ठीक है, 2 इक्विटोरियल के बीच में 120 डिग्री, 2 एक्सियल के बीच में 180 डिग्री और एक्सियल इक्विटोरियल के बीच में 90 डिग्री, ठीक है, तो एक्सियल बोन्स आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल बोन्स। बस आपको इसमें ये डिसाइड करना है कि इन चारों ऑप्शन में से TBP ज्योमेट्री कौन सी है, TBP कौन सा है जल्दी बताओ? SF4 है, देखना निकाल के। यस मैम, SF4 है, सुनाया, क्लियर है? यस मैम, ठीक है, ओके, नेक्स्ट वाला खुद करोगे, बॉन्ड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये वाला भी खुद करोगे बोन एंगल से, अब तो कर लोगे ना बोन एंगल वाले क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट बोन एंगल पूछा है, इसी का ही होगा, ड्रैगोस कंपाउंड है ये, यस मैम, 90 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट पूछा, एक सेकंड रुकना।
ऐसे लगा जैसे पता नहीं हाथ पे कुछ चढ़ गया मेरे। चलो ये वाला देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स इन बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑब्जर्व्ड इन। सबसे ज्यादा 90 डिग्री एंगल्स आपको किसमें देखने को मिलेंगे आपको वो बताना है। sp3d2 में देखना एक बार सारे बना के जब d1 हाँ ये देखो यहाँ पे dsp2 क्या होता है बच्चे, स्क्वायर प्लानर होता है। ठीक है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इनमें से मतलब जैसे dsp2 है तो इसमें कौन सी d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है, dx²-y²। ठीक है, जैसे डायगोनल बायपिरामिडल है तो इसमें dz²। ठीक है, sp3d2 है तो इसमें dx²-y² और dz², ये भी पेपर में आ जाता है कई बार। ठीक है, और dsp3 में dz². ठीक है, तो जब आप ऑक्टाहेड्रल बनाओगे बच्चे सबसे ज्यादा 90 डिग्री के एंगल्स आपको यही देखने को मिलेंगे। कितने होते हैं टोटल इसमें, 1290 डिग्री होते हैं, काउंट कर लेना बेशक। ठीक है, अगर मैं बात करूं ट्राइगोनल बायपिरामिडल के तो इसमें कितने 90 डिग्री के एंगल होते हैं, 690 डिग्री होते हैं। और अगर मैं बात करूं dsp2 तो इसमें 490 डिग्री के एंगल होते हैं। ठीक है, समझ गए, याद रहेंगी ये चीजें। याद तो वैसे रखने की जरूरत नहीं, निकाल भी सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ऑक्टाहेड्रल में सबसे ज्यादा 90 डिग्री एंगल्स होते हैं 12। एक्सक्यूज मी मैम। यस नाया मैम, इसमें 12 कैसे होता है? ये देखो, बनाओ इसको। इस पे आओ, इसके बीच में 90, इसके बीच में 90 डिग्री, इसके बीच में 90 डिग्री और इसके बीच में 90 डिग्री, ये चार हो गए। यस मैम। ऐसी बाकी के कैलकुलेट कर लेना, बाकी के टोटल तुम्हें 12 दिखेंगे बेटा, समझ रहे हो? ये मैंने ऊपर वाले के देख लिए, ऐसे इसके देख लेना, इसके भी चार होंगे। ठीक है, बाकी दो दो इनके मिलेंगे आप लोगों को। ओके मैम। ठीक है, हम डी हाँ मैम, dsp3 में कितने 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं? 6। dsp3 बोलो या sp3d बोलो। ठीक है, जैसे मैं एक और बता देती हूँ, ये है तुम्हारे पास सपोज स्क्वायर प्लानर ले रही हूं मैं, तो इसमें मैंने बोला है 490 डिग्री होते हैं, तो 490 डिग्री कैसे बोलू, समझ पा रहे हो? मैं समझ पा रहे हो कैसे बोल रही हूँ मैं 490 डिग्री? एक ये, दो ये, तीन, चार, 90 डिग्री है, चार स्क्वायर प्लानर है वैसे तो। yes, इसमें सोचने की जरूरत भी नहीं है, आपके स्क्वायर में है और स्क्वायर में क्या होंगे 90 डिग्री के ही एंगल, चार ही होते हैं। ठीक है, तो बस ऐसे ध्यान रखना है इसको। ठीक है जी। यस ठीक है, 90 90 90 90। ठीक है चलो, ओके आगे चलो। ये देखना एक बार फिगर, एनसीईआरटी की फिगर है, क्या पूछ रहा है वो आपसे, आपको पोटेंशियल कर्व बताना है। ध्यान से देखना आप ना, जो मैंने ये बताया है ना, आप ये मत करना मैंने ऐसे बोल दिया था ना, वो ऐसे नहीं था, वो ऐसे था, समझ रहे हो? इसको पूरे को 90 मत बोलना, समझ रहे हो ना आप लोग? यस मैम। हाँ, इसको बोलना जैसे देखो 1 2 3 और ये 4। लोन पेयर के अलोंग बोल रहे हैं हम इसको। हाँ जी, लोन पेयर के अलोंग बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, सिर्फ ऐसे समझो, 1 2 3 4 खत्म कहानी। ठीक है, इधर करो, यहाँ देखो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कर्व बताना आप लोगों को। ये वाला होगा आपके एनसीईआरटी में से आया हुआ है,
ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो आपका मॉलिक्यूल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, बोन एनर्जी क्या है मिनिमम है, ज्यादा कम है, मिनिमम है, मिनिमम मिनिमम, और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, मैं भी आ रहा हूँ, बच्चे म्यूट करो, बराबर है, बराबर है, और यहाँ पे देखो एनर्जी एकदम से ऊपर चली गई, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इस वाले पॉइंट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, क्योंकि अब पास आना शुरू हो गया तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा रिपल्शन से। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए कि क्या क्या कंडीशंस हैं यहाँ, ठीक है? यस मैम। हाँ, अट्रैक्शन इज मोर देन रिपल्शन, ठीक है, हो जाएगा। सबसे ज्यादा कौन सा है, ये जिसकी एनर्जी सबसे कम है वो ज्यादा स्टेबल है, बोन एनर्जी। एक सेकेंड, मैंने एक चीज गलत बोल दी, इधर देखो स्टेबिलिटी ज्यादा, इधर देखो एक बार, स्टेबिलिटी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कम, बट व्हाट अबाउट बोन एनर्जी, बोन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है, बोन एनर्जी ज्यादा होगी इस पॉइंट पे, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है, स्टेबिलिटी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कम, ठीक है, वो नहीं करना आप लोगों को। हाँ, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो, क्लियर है सभी को ये वाला पॉइंट? यस। ये वाला क्वेश्चन करो ऊपर वाला, फिर मैं बोन ऑर्डर पे आती हूँ, एमओटी पे आती हूँ। द स्ट्रक्चर ऑफ पीसीएल फाइव इन सोलिड स्टेट, पीसीएल फाइव सोलिड स्टेट में बच्चे कैसे एग्जिस्ट करता है, लिखवाया था मैंने आपके, जब आप नोट्स में जाओगे बच्चे तो मैंने वहां पे लिखवाए हुए हैं तीन चार कुछ आपके स्ट्रक्चर हैं वो सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो वो आप लोगों को पता होने चाहिए, पेपर में क्वेश्चन आते हैं पीसीएल फाइव कैसे एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म में, इस तरह से एग्जिस्ट करता है, एंड सबको आपको सबकी ज्योमेट्री स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो इधर क्या निकलेगा इसका ज्योमेट्री स्ट्रक्चर, पीसीएल फोर और पीसीएल सिक्स नेगेटिव का, बताओ, तुम्हें मुश्किल लग रहा है क्या ये वाला चैप्टर? मुझे तो नहीं मैम, थोड़ा समय लगता है, करो फिर जल्दी। PCl4 tetrahedral है, ठीक है, और ये क्या है, octahedral है। यस मैम। स्क्वायर पैनल क्यों बोल रही हो जुबिया, हो गया क्लियर? चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे बच्चे MOT पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें हमें क्या करना है, मैं आपको कुछ पांच छह पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, आपको कुछ पांच छह पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, वो यहीं पे लिख लो, ठीक है, ताकि सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके उसी से ही सॉल्व हो जाए, क्लियर है, ताकि अगर आगे मैं क्वेश्चन छुड़वा भी दूं तो आप लोग वो घर पे, वैसे थोड़े से ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, ये वाले आपके लिए होमवर्क है प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से, ठीक है, ये सबके सोल्यूशन भी आपको दिए हुए हैं ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है, ओके ओके। तो हम यहाँ से करते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स है बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो आप लोगों को पता होने चाहिए। पहला पॉइंट ये है, लिखो सारे, मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, सिर्फ जितने तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सारे पॉइंट्स लिखवा रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये लिखो बच्चे, नंबर ऑफ एटोमिक ऑर्बिटल, जिन्होंने लिखा हुआ है वो नहीं लिखेंगे, नंबर ऑफ एटोमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे। जैसे H2 है, कितने हैं, दो दो, तो इसके दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा और सिग्मा स्टार, सिग्मा सिग्मा स्टार, समझ पा रहे? ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, क्या ये चीज क्लियर है? यस मैम। ओके मैम, एक बार बता दो, एटॉमिक ऑर्बिटल ये कितने हैं,
एच कितने हैं बेटा, दो, तो इसका एक सिग्मा एस बनेगा और इसका एक क्या बनेगा, सिग्मा स्टार वन, मतलब एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, समझ रहे हो, ऐसे करके बोलते हो, ठीक है, ओके मैम, ये वाला एक बार दोबारा समझा देते। देखो मैं बोल रही हूँ, क्या नाम है, गौरव, मेरे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो जब इनकी आपस में मिक्सिंग होगी तो क्या बनेंगे, आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब आपकी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस हुई हैं तो आपके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, कौन कौन से, एक तो बॉन्डिंग जिनका पॉजिटिव ओवरलैप होगा, जिनकी एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा जिनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, ये देखो एनर्जी ज्यादा है ना, जिसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, और एनर्जी ज्यादा होगी इसमें रिपल्शन कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, इसको हम बोल रहे हैं बॉन्डिंग, क्लियर है। सेकंड पॉइंट लिखो, इसको मैं इरेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिएगा लिखने के लिए। चलो सेकंड पॉइंट लिखो बच्चे, अगर आपको मान लो एग्जामिनर बोलता है किसी स्पीसीज का बोन ऑर्डर निकाल दो, तो आप लोग कैसे निकालोगे, हाफ ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, डिवाइड बाय टू। जो स्टार वाले होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं, जो विदाउट स्टार वाले होते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो बॉन्डिंग वाले होते हैं, ठीक है। अब बोन ऑर्डर क्या होता है, ध्यान रखना, बोन ऑर्डर अगर मान लो एग्जामिनर आपसे पूछते हैं बोन स्ट्रेंथ बता दो या बोन लेंथ बता दो या बोन एनर्जी बता दो, तो क्या करोगे, जितना ज्यादा बोन ऑर्डर होगा उतना ज्यादा बोन स्ट्रोंग होगा, उतना ज्यादा बोन स्ट्रेंथ होगा और उतनी ज्यादा बोन एनर्जी होगी और उतनी ही कम बोन लेंथ होगी। सबसे अच्छा एग्जांपल है कार्बन कार्बन, कार्बन डबल बोन कार्बन, कार्बन ट्रिपल बोन कार्बन। अब इससे पता चल जाएगा आपको बोन ऑर्डर इसमें कितना है, थ्री है, बोन स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसकी होगी क्योंकि ट्रिपल बोन है और बोन लेंथ इसकी सबसे कम होगी क्योंकि बोन क्या है, छोटा है, तीन बोन बना हुआ है, शॉर्ट है। क्लियर है सभी को? यस मैम। दिस इज योर क्रैश कोर्स, तो डोंट एक्सपेक्ट कि डिटेल में होगा कुछ, ठीक है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को बता दूं सारी चीजें, एक भी मिस आउट ना करूं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, अब मैम ये आपने बता तो दिया पर आप निकालोगे कैसे बोन ऑर्डर, तो वैसे तो इसके लिए ट्रिक भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन उससे पहले, ट्रिक से पहले एक चीज आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखनी है बच्चे, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 है, अगर मान लो सपोज मैं O2 का एग्जांपल ले लूं, तो O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 to the 16, 14 से ज्यादा है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, लिखिए लिखिए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, सिग्मा 2pz, पाई 2, ये पता है ना तुम लोगों को, ये ऐसे ही देख रहे हो बस बैठ के, पाई 2px, पाई 2py, ये नीचे लिख रही हूं मैं यहाँ पे, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। और इस बार अगर तुमने संडे के टेस्ट में बकवास परफॉर्म किया, मैंने जो चैप्टर कराया उससे भी नहीं कर पाए, तुम्हारे पेरेंट्स के पास कॉल जाएगा, ये ध्यान रखना तुम लोग। और मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फिर ये बोलूंगी कि अगर आपका बच्चा ये एक्सपेक्ट कर रहा है एक महीने में नीट क्लियर हो जाएगा, तो वो नहीं होगा अगर वो पूरे साल नहीं पढ़ा है, तो ये ध्यान रखना आप लोग मेरी बात, एक महीने में तो क्या ही कुछ भी नहीं होता है, लोग दो दो साल से मेहनत करते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर रहेगा अगर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ग्रेटर देन 14 होगा। सिग्मा वाले क्या है, जहां पे स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग वाले हैं, ठीक है, और जिन पे स्टार रिप्रेजेंट कर रखा है मैंने वो एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन या अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन या इक्वल टू 14 है, तो उस केस में क्या ऑर्डर होगा बच्चे, कौन बताएगा, कौन बताएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। देखो सिग्मा 2 इसमें क्या होता है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 होता है, सपोज O2 एग्जांपल है, सपोज है ना, तो आप लोग कैसे ध्यान रखोगे, सिग्मा 2pz पहले आ जाता है, ऐसे ध्यान रखोगे, O2 में O सिग्मा 2pz पहले आ गया, कैसे ध्यान रखोगे, O सिग्मा 2pz पहले आ गया, तो इसमें सिग्मा 2pz क्या रहता है, पहले रहता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 है,
तो उसके अंदर क्या होता है, सिग्मा टू पी जेड पहले नहीं आता है, पहले पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई ही आता है, ठीक है, फिर उसके बाद सिग्मा टू पी जेड आता है, फिर उसके बाद पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई आता है, फिर सिग्मा स्टार टू पी जेड आता है। तुम्हारा जो सन्नाटा छा गया ना क्लास में, मेरे को ऐसा लग रहा है ये तुमने कभी पढ़ी ही नहीं हुई चीज है। सच्ची बताना, केमिकल बॉन्डिंग की क्लास किस किसने ली थी मेरी, किस किसने नहीं ली थी? नहीं ली थी, नहीं नहीं याद नहीं, याद नहीं, बड़ी अच्छी बात है, याद नहीं मत करो याद, एक महीना रह गया बस, मत करो, ठीक है। चिल्ला चिल्ला के बोला था उस क्लास में, याद होने चाहिए, याद होने चाहिए, बट तुम लोग करते ही नहीं हो। हम जो तब हो गए थे, अब यही बात नीट के पेपर में बोलोगे क्या आशुतोष, कि जब मैम ने क्रैश कोर्स में कराया था तब तो याद था, अब नीट के पेपर में मैं बैठा तो याद नहीं है। ठीक है, चार पॉइंट क्लियर हैं? यस मैम। ठीक है, फोर्थ पॉइंट यहाँ लिखो, फिर मैं क्वेश्चंस कराती हूँ। फोर्थ पॉइंट यहाँ लिखो कि अगर मान लो आप, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, तो जो आपका मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो आपका मॉलिक्यूल कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता रही थी, एक तो आप इसके थ्रू निकाल सकते हो बॉन्ड ऑर्डर, ये कब यूज होगा मैं आपको बताऊंगी, अदरवाइज आपके पास एक ट्रिक होती है बॉन्ड ऑर्डर निकालने की, वो आप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे बीच में लिख लो 14, ठीक है, उसके साइड में लिख लो 20 तक, 15 16 17 18 19 20, ऐसे यहाँ पे भी लिख लो 13, एक सेकेंड रुको, स्पेस नहीं है मेरे पास, 13 12 11 10 9 8, लिख लिया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तुम्हारे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे N2 में कितने हो गए 14, O2 में कितने हो गए 16, है ना, C2 में कितने हो गए 12, B2 में बोरोन में कितने हो गए B2 में 10, ये ठीक है। नीचे लिखो बॉन्ड ऑर्डर, आपको ध्यान रखना है सिर्फ 14 का 3 होता है बस, और कुछ ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, आपको yes, ध्यान रखना है सिर्फ 14 का और नहीं ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, 2.2.5 कम करते जाना है, 2.5, 16 का 2, 17 का 1.5, ये 1.0, ये 0.5 और ये कितना हो गया 0, ऐसे यहाँ चलते जाओ, 2.5 है ना, 2.0, 1.5, 1, 0.5 और 0, समझ आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके नीचे उसके बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. एक्सेप्शन है, हाँ, 0.5 कम करना जिनिशा, 0.5 कम करते जाना लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है, ओके। एक एक्सेप्शन है CO प्लस की, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना बच्चे कितने हैं, 8 प्लस 6 कितना हुआ 14, 14 माइनस 1 13, तो इसका आपको ध्यान रखना है, 13 में मैंने आपको 2.5 बताया ना, लेकिन इसका 3.5 होता है, बस ये ध्यान रखना, नीट में अभी तक नहीं पूछा ऐसे, बस एक्सिस्ट नहीं करता ना ये मॉलिक्यूल, नहीं करता है ना, करता है तभी इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला गया, 3.5 है इसका, ओके okay. अगर जिसका, अगर तुम बोलो ना कि मैम एग्जिस्ट नहीं करता, उस केस में क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर जीरो अगर किसी का आ जाता है तो वो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाता है उसका जीरो, मतलब वो बॉन्ड ही नहीं बना रहा है, अगर बॉन्ड ही नहीं बना रहा है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जैसे आपकी नोबल गैसेस हो गई है ना, आपका हीलियम हो गया, वो नहीं डायटोमिक में एग्जिस्ट करता, ठीक है, ओके आ गया समझ में, ओके मैम। हाँ जी, तो मेरे को आवाज नहीं आई आपकी, और मुझे जो आपने लिखी ना काउंटिंग, ये मेरे को समझ में नहीं आई, आवाज नहीं आई, नेटवर्क इशू था, रिकॉर्डिंग से कवर करोगे, ओके ठीक है, फिर भी नहीं आई तो कॉल कर लेना या मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद 7 पॉइंट देखो, मैं पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बता रही हूँ तुम लोगों को 10-15 मिनट में, जो तुम्हारे पेपर में आएगी, ठीक है। 7 पॉइंट ये है, आप लोगों से क्या पूछा जाता है, आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे होते हैं और आप लोगों को ये बताना होता है कि बताओ ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो अगर बच्चे आपके ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या होंगे आपके पैरामैग्नेटिक होंगे, और अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक्सेप्ट 10 और 16, तो वो क्या होंगे आप लोगों के बच्चे डाया मैग्नेटिक। पूरी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बता दी मैंने। अब जितने मैंने 8 पॉइंट बताए हैं फटाक से अपनी नोटबुक में अगर लिखा है तो रिवाइज करो, फिर हम ये क्वेश्चन करते हैं। 10 और 16 पैरामैग्नेटिक होंगे इसमें। हाँ हाँ हाँ, जैसे ऑक्सीजन है O2, सो 16 होता है ना ये पैरा होता है, ठीक है। चलो अब ये फटाफट से 6 पॉइंट्स रिवाइज करो, जितने 50 बच्चे यहाँ पे बैठे, और बहुत बढ़िया बात है बेटा आप 50 बच्चे यहाँ पे बैठे हो, प्राउड ऑफ यू, ठीक है। चलो जल्दी से ये 8 पॉइंट रिवाइज करो जो मैंने लिखवाए हैं, और एक बार ये इसमें मुश्किल आ रही है ना, कोई बात नहीं मुश्किल आ रही है, एक बार रिवाइज करो, दो बार रिवाइज करोगे ठीक हो जाओगे, ठीक है। बस ध्यान रखना अगर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है O2, तो O सिग्मा 2pz पहले आ गया, ठीक है, ऐसे याद रखना सिग्मा 2pz पहले आ गया, फिर पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2py, फिर लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz, हो जाएगा ना, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना, कर सकते हो, डूएबल है ना? Yes, नहीं है डूएबल? हाँ हम कर रखे हैं यार, बहुत अच्छी बात है मैम ये। हाँ आई नो आप लोगों के ऊपर बहुत बर्डन है, ठीक है, मैं थोड़ी तुमसे गुस्सा हो जाती हूँ क्योंकि मेरे को गुस्सा चढ़ जाता है क्लास के बीच में जब तुम लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो। आप लोगों को पता आप टॉपर बैचेस में ऐड हो तो टीचर को ज्यादा एफर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अब मैं करवाने को डायरेक्ट भी करवा सकती थी, मेरे को कोई था नहीं, लेकिन मेरे को पता था आप में से सिर्फ 10 बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये वाली चीजें पता होंगी, बाकी 40 को नहीं पता होंगी, तो मेरे लिए वो 40 ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि 10 को तो आता ही है, वो नहीं भी बताऊंगी डायरेक्ट करवाऊंगी वो कर लेंगे, बट वो 40 बच्चों का जो क्राउड है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको नहीं पता है, इस वजह से मैंने ये सारी चीजें दोबारा लिखवाई है, ठीक है। तो इसलिए बोलती हूँ बेटा पहले थ्योरी रिवाइज करके आया करो क्योंकि बहुत हेल्प हो जाएगी अपनी, है ना। चलो अब कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन को सोल्व करो, फिर अब ये कर लोगे NO, NO+, NO2+ और NO-, द वन विद मिनिमम बोन स्ट्रेंथ, जिसकी बोन स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, कैसे करोगे बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व, जिसका बोन ऑर्डर सबसे कम होगा, बोलो हाँ या ना। चलो निकालो फिर NO+ का बोन ऑर्डर निकालो, कितना होगा 8, 7, 15, 14 के करस्पॉन्डिंग कितना होता है 3, 15 का कितना होता है 1 का, तो सबसे ज्यादा होगा बेटा बोन स्ट्रेंथ, तुम लोग क्या बोल रहे हो, डी होगा, ये होगा गुंजन पार्थ, बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मिनिमम बोन स्ट्रेंथ पूछा है, मतलब इधर देखो रिलेशन लिखा हुआ मैंने, जितना ज्यादा बोन ऑर्डर जितना ज्यादा, अभी भी गलत बोल रहे हो पार्थ, डी ऑप्शन होगा एनओ नेगेटिव का बोन ऑर्डर, देखो ना 2.0 होगा, 16 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, आगे सबको समझ में, कोई ऐसा है No. जिसको नहीं आया कि मैम ये क्या लिख रहे हो, आई गया होगा, इतना मैंने थ्योरी बता दी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इफ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ डाई ऑक्सीजन स्पीसीज इज 1.73 बोहर मैग्नेटोन, इट मे बी, डाई ऑक्सीजन है उस स्पीसीज है, उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है बच्चे वो 1.73 है, तो आपको बताना है कि कौन सी स्पीसीज होगी। 1.73 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, one. तो आप जल्दी से चेक कर लो कि इनमें 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है। अब देखो इसमें काम आएगी तुम्हें ये टेबल, इसमें काम आएगी तुम्हें ये टेबल, जैसे मैं आपको एक फिल करके दिखाती हूँ O2 का फिल करके दिखाती हूँ, है ना, तुम्हें पता चल जाएगा मैम कैसे यूज कर रही है इस टेबल को। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, 16, है ना, तो देखना कैसे करूंगी, सिग्मा में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, देखो एक बार, एक में 2 आते हैं ना एक ऑर्बिटल में, इसमें भी कितने आएंगे, 2, 2, 2, कितने हो गए फिल, 2, 2, 4, 5, 6, 8, है ना, सिग्मा 2pz में 2, 10 हो गए, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करोगे,
ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन होम्स रूल को फॉलो करते हुए, फिर दूसरा दूसरा यहाँ फिल करोगे, कितने हो गए टोटल, और एक एक यहाँ करोगे, हो गए 16 इलेक्ट्रॉन, देखना एक बार हो गए क्या 16 इलेक्ट्रॉन, 14 हुए हैं, 14 हुए क्या, मैं कुछ नहीं नहीं, दो दो चार पाँच छह, अरे यार क्या तुम लोग तो ऐसा कंफ्यूज, मैम रेड वाली काउंटिंग करी थी आपने स्टार्टिंग में, ग्रीन से लिखा हुआ है ना वो देखा नहीं था, अच्छा अच्छा रुको मैं इसको रेड से कर देती हूँ, है ना वो विजिबल नहीं होगा ना तुम्हें, ठीक है। तो यानी कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि O2 में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आए हैं वो कहाँ आए हैं आपके, एंटी बॉन्डिंग में आए हैं, पाई स्टार 2px में एक इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2px में, ठीक है। तो यहाँ पे तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जहां जहां पे O2 है वो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता ना, तो कौन सा ऑप्शन बचा, वन बचा। O2 नेगेटिव का मतलब क्या है बच्चे, O2 नेगेटिव का मतलब क्या है, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो एक और इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा, तो एक बच गया मेरे पास। और अगर O2 प्लस होता तो मान लो ये O2 था तुम्हारा और O2 प्लस होता तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, यही तो मतलब होता है प्लस का, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन हो गया, बस। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है मैम। हाँ जी, जैसे मैम यहाँ पे पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो हम इस इलेक्ट्रॉन को हम अनपेड में देखेंगे, तो अनपेड में तो देख रहे हैं बेटा, नहीं मैम आप बोल रहे थे ना इसको एक हटाएंगे एक ऐड करेंगे, वो O2 प्लस है ना, है ना, O2 में ये था राधिका इधर देखो, ये थी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, O2 प्लस मतलब क्या है 15 इलेक्ट्रॉन, तो मुझे एक निकालना पड़ेगा ना, कहाँ से निकालोगे, यहीं से तो निकालोगे ना, और अगर मान लो O2 नेगेटिव होता तो 16 इलेक्ट्रॉन होते तो मुझे एक और ऐड करना पड़ता, समझ गए क्या बोल रही हूँ मैम, अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेड है तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट अराउंड 2 आएगा, इसलिए 1.73 bm है, नहीं 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 1.73 ही आएगा, अराउंड 2 नहीं आएगा, एग्जैक्ट 1. मैंने आप लोगों को टेबल बनाई थी कोऑर्डिनेशन में करवाई थी कि अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो अराउंड 1.8, 2 है 1.7, 3 है तो 3.8, अगर इसके आसपास घूमेगा तो वो ही आपका आंसर होगा, एंड मैम 2 होगा तो फिर मोर देन, नहीं 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 2 होगा तब भी आप वही कंसीडर करोगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में वो क्या करते हैं, तभी तो मैंने इस रेंज में लिखवाया है ना आपको, अगर 1 है तो 1.8, अगर वो 2 भी लिख के देता तो मैं 1 कंसीडर करती उसको, 1 इलेक्ट्रॉन है उसमें अनपेयर। और अगर मैम यहाँ पर हमें मैग्नेटिक मूवमेंट 1.73 ना देखे 2.8 दे रखा होता तो जब O2 मानते हम, हाँ हाँ तो वो आंसर होता, ओके ये करो नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज्ड बाय अनायन फॉर्मेशन, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज्ड बाय अनायन फॉर्मेशन, मतलब अगर मैं C2 का C2 नेगेटिव बना दूं, O2 का O2 नेगेटिव बना दू, NO का NO नेगेटिव बना दू, F2 का F2 नेगेटिव बना दू, जो कि नहीं होगा, तो आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सी स्टेबल स्पीसीज होगी, समझ आ गया क्वेश्चन, यस। तो अब निकाल के देखो, जिसका देख लो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग, हाँ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो ज्यादा होगा, या सिंपल बॉन्ड ऑर्डर से भी चेक कर सकते हो आप, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो हो जाएगा। मैम एक कर दीजिए कुछ, मैं ये बोल रही हूँ अगर आप C2 को C2 नेगेटिव में बदलते हो, F2 को F2 नेगेटिव, NO को NO नेगेटिव, O2 को O2 नेगेटिव में बदलते हो, तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल स्पीसीज कौन सी बनेगी, अगर आप उसका अनायन बनाना चाहते हो C2 का O2 का NO का F2 का, तो आप लोग क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें भी फिल कर सकते हो, जो मैंने ये बनवाई है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये ऑर्डर, ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि किसमें एंटी बॉन्डिंग जितने ज्यादा होंगे वो उतना कम स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखना एक बार, ए आएगा क्या, C2 नेगेटिव का निकालना एक बार तुम लोग सारे, C2 नेगेटिव का निकालना,
निकाल रहे हो? यस। कितना है इसका? 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करना, 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करो। ठीक है, यही आंसर आएगा, बाकी में तो मुझे लगता है एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। समझ आया? हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। हाँ जी आंचल, बॉन्ड ऑर्डर से इसका, अगर बोन ऑर्डर सबका अलग अलग आ रहा है तो फिर बोन ऑर्डर से कर सकते हो। मान लो बोन ऑर्डर सबका सेम आ रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से में जा रहे हैं। ओके मैम। इसकी कोई ट्रिक भी है क्या? किसकी बेटा? मैम ये एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग वाली जो है, इसकी ट्रिक भी है कोई? नहीं, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक सिर्फ इनकी मिलेगी आपको, पैरामैग्नेटिक पहचानना, डायमैग्नेटिक पहचानना, बोन ऑर्डर निकालना, इसकी ट्रिक मिलेगी आपको मैम। हाँ मैम, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ना, या तो वो यही निकलवाएंगे जितनी मैंने चीजें सिखाई हैं, इससे आगे नहीं पूछेगा वो कुछ भी, और इतना इजी नहीं पूछेगा कि एलिमेंट बता दो। ठीक है, नेक्स्ट करो, इसका आंसर तो बता दो मुझे, C2 ही आ रहा है क्या? नहीं किया क्या तुम लोगों ने? हम कर रहे हैं। इतनी देर लग गई क्या ऊपर वाले को करते करते? पूरा पूरा उतार रहा हूँ। नीचे वाला करो, अमंग द फॉलोइंग द डायमैग्नेटिक स्पीसीज, डायमैग्नेटिक किसमें होगा चेक कर लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 15, 14, 10 और इसमें 16। ये होगा तो बी होगा इसका आंसर। यस मैम, बी होगा। ये वाला भी हो जाएगा, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आयंस व्हिच वन इज डायमैग्नेटिक एंड हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। जैसे इसके 16 है, इसके कितने हैं? 18 है, इसका कितना है? 6 2 12 14 है, और इसका कितना है? 7 2 15 सॉरी 15 बोल रही हूँ, 7 2 14 और 2 16 तो 16 वालों को तो आप क्या करोगे, कंसीडर ही नहीं करोगे, पैरामैग्नेटिक होते हैं, और 14 और 18 दोनों ही क्या है? इवन है, तो दोनों को दोनों ही क्या हो सकते हैं? डायमैग्नेटिक, बट यू हैव टू चेक द शॉर्टेस्ट बोन लेंथ, सबसे छोटी बोन लेंथ ये आपको चेक करना है। बोन ऑर्डर निकाल लो, 14 का 3 होता है, इसका तो 3 से बहुत कम होगा, तो इसका बोन ऑर्डर ज्यादा होगा, इसका बोन ऑर्डर कम होगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? 14 का बोन ऑर्डर 18 का बोन ऑर्डर 1 होता है, तो बोन ऑर्डर किसका कम है? इसका, इसकी बोन लेंथ ज्यादा हो जाएगी। 14 में 3 है तो बोन ऑर्डर इसका ज्यादा है, बोन लेंथ कम हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? C2 2 नेगेटिव आएगा। समझ रहे हो? इसमें आपको वो टेबल ध्यान रखने की जरूरत नहीं थी, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली डायरेक्ट निकल रहा है, क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन करो। टू पाई एंड हाफ सिग्मा बोन्स आर प्रेजेंट इन, क्या मतलब हुआ इसका? टू पाई, देखो मैं करके दिखाती हूँ, एन टू प्लस का ना हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं क्योंकि इसका आंसर यही है, तो मैं आपको यही करके दिखाती हूँ कि इसका मतलब क्या है, टू पाई एंड हाफ सिग्मा। ठीक है, तो 7 2 कितना हो गया? 14, तो 13 इलेक्ट्रॉन है, कैसे फिल करूंगी बेटा इसको? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2x, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। ठीक है, इतने से मेरा काम चल जाएगा, देख पा रहे हो? यस। 6 7 8 9 10 11 12 और 13 कर दिया फिल, देखना एक बार सही किए हैं 13 फोन फिल, जल्दी चेक कीजिए, तुती चेक करो सही है। यस चलो, तो अब इसमें पूछा है हाफ सिग्मा और टू पाई, तो देखो जो ये दो पाई हैं ये फिल्ड हैं पूरे, तो इसका मतलब क्या है? दो पाई, हाफ सिग्मा मतलब आधा भरा हुआ है,
देख पा रहे हो सारे, दो पाई yes. सिग्मा का मतलब ये है कि जो दो पाई है वो पूरे भरे हुए हैं, सिग्मा आधा भरा हुआ है. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टू पाई एंड हाफ सिग्मा. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ये. अगर आप बोलते मैम ओ टू की नहीं है, क्योंकि ओ टू में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आता है, पी पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई में आता है. तो देखो यहाँ पे पाई स्टार वाले हाफ फील्ड है, सिग्मा वाले हाफ फील्ड नहीं है. समझ रही हो मेरी बात? यस यस मैम. ठीक है, ऐसे करना है ये क्वेश्चन. यस ओके, ये वाला क्वेश्चन करो नीचे वाला. Among ये वाला, according to MOT, which of the following is true with respect to Li2 plus and Li2 negative? Li2 plus और Li2 negative. पढ़ा रही है तो सो गई मैडम, पढ़ा रही तो सो गई. कौन सो रहा है? कौन सो रहा है? सही है, उसकी मम्मी डांट लगा रही है. हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, पर अभी तो उठी हुई थी वो. हाइड्रोजन हीलियम लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें? फाइव इलेक्ट्रॉन और इसमें सेवन. फिल करना इनका बोन ऑर्डर क्या आ रहा है बच्चे? इनका बोन ऑर्डर निकालना फिल करके इलेक्ट्रॉन. जल्दी मुझे बताओ बेटा, टाइम हो गया, जल्दी बताओ. निकालना हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, थ्री माइनस टू वन बाय टू पॉइंट फाइव. और इसका भी निकालना, इसका 1.5 आ रहा है या सेम आ रहा है? भाई एक काम बोल दू तुम लोग, वो भी नहीं करते हो भाई. मैम इसमें डायरेक्ट नहीं निकाल सकते जो आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि बच्चे मैंने सिर्फ यहाँ तक लिखवाया आपको एक बार. ठीक है, हाँ कितना आएगा बोन ऑर्डर बता दो Li2 नेगेटिव का. कहोगे मैम खुद ही निकाल लो, हमसे क्या पूछ लो. इसका भी 0.5 आएगा. 0.5. अब दोनों को 0.5 है, मतलब दोनों ही क्या है, स्टेबल है. क्योंकि जिसका बोन ऑर्डर आ रहा है इट मींस वो स्टेबल है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करोगे आप लोग. ठीक है, तो यस मैम.